ये तंदूर कहाँ से आया? किसने सेक ये रोटियाँ? चूची। चूची ने? अरे सिद्धू पगला गया क्या? वो लेडीज को क्यों तंग कर रहा है? वो लेडीज नहीं, चीटर लेडीज। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे जलती जहाँ। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें, न करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। यह किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि यह मूवी फ्लॉप होगी। ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और है भी इंटरेस्टिंग। एक इंटरव्यू में जब दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि आपके लाइफ की सबसे खराब फिल्म कौन सी है, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए और बिना देरी किए चांदनी चौक टू चाइना का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ना जाने यह फिल्म क्यों कर ली, मेरे मन में क्या चल रहा था। यह मेरे जिंदगी की सबसे बेकार फिल्म है जो कि इतनी बुरी तरह से पिटी हुई थी। यह फिल्म जो है बनी थी 62 करोड़ रुपये में और इसकी भारत में कमाई हुई थी 23 करोड़ और दुनिया भर की कमाई हुई थी 56 करोड़। तो जहाँ पर इसकी बजट था 62 करोड़, वहाँ पर दुनिया भर यानी ग्रोस कलेक्शन में भी मात्र 56 करोड़ का बिजनेस कर पाई थी, यानी अपना लागत भी नहीं निकाल पाई थी। ये फिल्म कॉमेडी और फैंटास्टिक एक्शन पर आधारित है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है रिव्यू में कि इस मूवी में बहुत सारे फालतू की चीज़ें दिखाई गई थी, जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि अक्षय कुमार के इसमें दादा मिथुन चक्रवर्ती बने हुए थे, जो कि इनके जब किक मारते हैं तो वे रॉकेट की तरह आसमान में उड़ते हैं, जो कि एक फालतू की चीज़ बताया कुछ लोगों ने रिव्यू में। और भी बहुत सारी चीज़ें कही उन्होंने कहा कि जब वह चाइनीज़ कुल्फू सीखते हैं तब वह सिर्फ मौन धारण करने पर बहुत सारा तूफान आ जाता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसमें बहुत सारी जो है काल्पनिक चीज़ें, यानी बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें दिखाई गई थी, जिसकी वजह लोग बताते हैं इस फिल्म के फ्लॉप होने की। फिल्म काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारे यानी बकवास चीज़ें इसमें बताई गई थी कि बहुत सारी इसमें कहानी से ज़्यादा इसमें बकवास भरी हुई, ऐसा कहना है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म बकवास है या सही? यह कहानी थी सिंधु चौक, एक दुकान पर सब्जी काटने का काम करता है। वह जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखता है। एक दिन दो चाइनीज पर्यटक उसकी दुकान पर आते हैं। वह सिद्धू को उसके भगवान का रूप बताते हैं। इस बात का जड़ से पता लगाने के लिए वह चाइना जाता है। क्या सिद्धू किसी मुश्किल में पड़ जाएगा? तो दोस्तों ये थी चांदनी चौक टू चाइना की हमारी तरफ से छोटी सी जानकारी। आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। वह क्यों हटाते हैं ये बात करते हैं। जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वह जो है इस मूवी को यूट्यूब से हटवा देती हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये मूवी जो है अक्षय कुमार की ये फ्लॉप हो गई थी। ये 800 मिलियन डॉलर में बनाई गई थी और इसने कमाए थे सिर्फ 550 मिलियन डॉलर और इसीलिए जो है सुपर फ्लॉप मूवी हुई थी। तो इसीलिए जो है जो कंपनियां इसको खरीदी थी मूवी को, वह जो है इसकी भरपाई के लिए अभी भी इसे पैसे लेकर ही दिखा रही हैं। तो आपको यह फुल मूवी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अपलोड करते हैं बहुत से लोग, किसी की तुरंत ही हटा दी जाती है, किसी की मूवी कहो तो 1 घंटा तक चले, किसी की 1 मिनट तक चले। तो अगर आपने एक दो बार यूट्यूब पर सर्च किया होगा इसे आपको नहीं मिली होगी तो आपको दोबारा नहीं सर्च करना है, आपके खुद आपके सजेशन में आ जाएगी। और जैसे ही आ जाए आपको ऑनलाइन इसे नहीं देखना, तुरंत इसे डाउनलोडिंग पे लगा लेना है, क्योंकि ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं भाई कितनी देर में रिमूव हो जाए यानी हटा दी जाए यूट्यूब से। तो आपको उसे तुरंत डाउनलोड कर लेना है फिर आपको देखना, अगर बाई चांस आपको मिल जाए यूट्यूब पर तो, मैं बता रहा हूँ ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और इसकी स्टोरी क्या थी, बहुत सारे जो आपको काफी जो है आपको पसंद आएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस मूवी के जो निर्माता हुए हैं रोहन सिप्पी, निर्देशक है निखिल अडवाणी, संगीत है इसमें जो है शंकर एहसान लायका, कलाकार इसमें अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणबीर सौर, गार्डन लिया, रिचर्ड युआन, मिथुन चक्रवर्ती। हॉलीवुड की फिल्म कंपनी वार्नर ब्रदर्स को रमेश सिप्पी, मुकेश
तलरेजा, रोहन सिप्पी और निखिल अडवाणी ने मिलकर किस तरह चूना लगाया इसकी मिसाल है चांदनी चौक टू चाइना। हॉलीवुड कंपनियों के दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि बॉलीवुड की नाच गाने और ओट पटांग हरकतों वाली फिल्में बेहद पसंद की जाती हैं। इसी बात को आधार बनाकर सिप्पियों ने चांदनी चौक टू चाइना नामक फिल्म उन्हें टिका दी और अपनी जेबें भर ली। फिल्म के लेखक श्रीराम राघवन ने इसकी कहानी लिखने के लिए हॉलीवुड की फिल्में देखने की भी तकलीफ नहीं उठाई। उन्होंने अपने निर्माता रमेश सिप्पी की सीता और गीता शोले जैसी फिल्मों से ही कहानी निकाल ली ताकि कॉपीराइट का मामला भी ना हो। चांदनी चौक टू चाइना इतनी बेसिर पैर फिल्म है कि आश्चर्य होता है कि इस पर इतना पैसा क्यों खर्च किया गया। वार्नर ब्रदर्स ने इस कहानी में ऐसा क्या देखा कि वे इसमें भागीदार बन गए? शायद उन्होंने रमेश सिप्पी के पिछले रिकॉर्ड को देख पैसा लगाया होगा। 70 और 80 दशक की ज़्यादातर फिल्में मिलना, बिछोड़ना, खोया पाया, डबल रोल, यथास्थ का चले जाना और फिर लौट आना, पुनर्जन्म, बदला, खलनायक का गांव के आतंक फैलाना जैसे फार्मूलों पर आधारित रहती थी। इन सब का घलमोल कर चांदनी चौक टू चाइना में परोसा गया है। ओम शांति ओम और टसन के बाद चांदनी चौक टू चाइना तीसरी ऐसी बड़ी फिल्म है जो उस दौर में बनने वाली फिल्मों पर आधारित है। चांदनी चौक में पराठे बेचने की दुकान में काम करने वाले सिद्धू यानी अक्षय कुमार के सपने बड़े बड़े हैं। वह अमीर बनना चाहता है लेकिन मेहनत पर उसका यकीन नहीं है। एक दिन दो चीनी उसके पास आते हैं और वह सिद्धू को एक मशहूर चीनी योद्धा का पुनर्जन्म मानते हैं। चपास्टिक यानी रणवीर शौरी नामक दुभाषिया सिद्धू को बेवकूफ बनाकर चीन पहुंचा देता है। चीन पहुंचकर सिद्धू को पता चलता है कि उसे होजो नामक आदमी से एक गांव को छुड़ाना है जो बेहद खतरनाक है। गांव के लोग सिद्धू को महान योद्धा मानते हैं लेकिन होजो के सामने सिद्धू के पुल खुल जाते हैं। जब होजो सिद्धू की खूब पिटाई करता है तो वह उसे मारने की कसम खाता है। एक कुंगफू मास्टर से वह कुंगफू सीखता है और अपना बदला लेता है। कहानी में सखी और म्याओ नामक दीपिका पादुकोण की दोहरी भूमिकाएं भी हैं। सखी और म्याओ जुड़वा बहनें हैं और बचपन में होजो की वजह से बिछड़ गई थी। होजो की वजह से उनकी मां की मृत्यु हुई थी और उनके पिता की यथास्थ चली गई थी। सखी और म्याओ को होजो के बारे में पता चलता है तो वह भी उससे बदला लेना चाहती हैं। सिद्धू को कुंफू उनके पिता ही सिखाते हैं। सिद्धू कामयाब होता है और आखिर में पूरे परिवार का मिलन हो जाता है। पुरानी फिल्मों को देखकर भी नई कहानी ढंग से नहीं लिखी जा सकी। इस कहानी में ढेर सारे अगर मगर हैं, माना कि सिनेमा के नाम पर थोड़ी छूट ली जा सकती है लेकिन इसकी भी सीमा होती है। फार्मूला या मनोरंजक फिल्म बनाने के नाम पर दर्शकों को बेवकूफ तो नहीं समझा जा सकता। मसाला इतना ही मत डालो कि हाजमा खराब हो जाए। निर्देशक निखिल अडवाणी का प्रस्तुतिकरण भी बेहद घटिया है। ऐसा लगा कि वह 70 और 80 के दशक में बनी फिल्मों का चांदनी चौक टू चाइना के जरिए मजाक उड़ा रहे हों। फिल्म की कहानी गंभीरता की मांग करती है लेकिन उन्होंने इसे कॉमेडी के अंदाज में पेश किया जिससे मामला चौपट हो गया। कॉमेडी का भूत उन पर ऐसा सवार था कि हर दृश्यों में उन्होंने कॉमेडी घुसेड़ दी, चाहे वो रोमांटिक दृश्य हो, भावुक दृश्य हो या एक्शन सीन हो। कॉमेडी के नाम पर हास्यास्पद दृश्य रचे गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जब अक्षय कुमार को लात जमाते हैं तो अक्षय रॉकेट की तरह आसमान में जाते हैं और धड़ाम से नीचे गिरते हैं। होजो के एक आदमी को अक्षय कुमार जोर जोर से घुमाने लगते हैं तो आंधी चलने लगती है और आसपास के लोग उड़ने लगते हैं। अक्षय और दीपिका जब एक बिल्डिंग से गिरते हैं तो दीपिका छाता खोल देती है तो पैराशूट का काम करता है। ऐसे एक दो दृश्य तो बर्दाश्त किए जा सकते हैं लेकिन जब पूरी फिल्म ही ऐसी हो तो दर्शक चांदनी चौक टू चाइना बनाने वालों की अकल पर सिर्फ तरस खा सकते हैं। इन दृश्यों को लेकर भला कोई कैसे हंस सकता है? पैसा खर्च करने में भी अकल का इस्तेमाल होता है लेकिन निखिल अडवाणी ने निर्माताओं का पैसा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलाम या इश्क जैसी डब्बा फिल्म बनाने के बाद एक और डब्बा फिल्म उन्होंने अपने नाम कर ली है। टसन हो या सिंह इज किंग या चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय का किरदार हर जगह एक जैसा नजर आता है, वही जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति का। उन्हें टाइप्स होने से बचना चाहिए। चांदनी चौक टू चाइना में उन्होंने दर्शकों को हंसाया लेकिन अब दोहराव महसूस होने लगा है। उनकी क्षमताओं का पूरा दोहन निर्देशन नहीं कर पाए, खासकर स्टंट दृश्यों में अक्षय का और बेहतर उपयोग किया जा सकता था। फिल्मों के चयन के मामले में उन्हें सावधानी बरतना चाहिए। दीपिका पादुकोण खूबसूरत लगी और उन्होंने स्टंट दृश्य अच्छे से अभिनीत किए। गार्डन लियू ने खलनायकी के तेवर दिखाए। रिचर्ड युआन, मिथुन चक्रवर्ती और रणबीर शौरी ठीक ठाक रहे हैं।
संवादों के जरिए कुछ जगह हंसने का अवसर मिलता है। चीनी भाषा में भी ढेर सारे संवाद हैं, हालांकि उन्हें अंग्रेजी सबटाइटल के साथ दिखाया गया है, लेकिन हिंदी में उन्हें दिया जाता तो ज़्यादा दर्शकों का इसका लाभ मिलता। फिल्म का तकनीकी पक्ष सशक्त है, स्टंट दृश्य फोटोग्राफी पर बहुत मेहनत की गई है, संगीत निराशजनक है, हिट गानों का अभाव अखरता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चांदनी चौक टू चाइना में न चांदनी चौक के पराठों की महक है और न चाइना के नूडल्स का स्वाद। इस फिल्म को देखने में पैसा खर्च करने के बजाय नूडल्स खरीद कर खाना बेहतर है। ये दोस्तों हम बता रहे हैं वेब दुनिया के आधार पर। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, अगर आप सूर्यवंशी मूवी को अभी से यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं और आप आज की डेट में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं भाई, आपसे बेवकूफ़ इंसान कोई इस दुनिया में नहीं है भाई। ये मूवी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये मूवी 25 सितंबर 2020 को रिलीज होगी। तो भाई अभी से आप क्यों इसे यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो भाई? ये पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, वहाँ पर कमाई करेगी, फिर ये यूट्यूब पर रिलीज होगी भाई। जो इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर बेवकूफ ने जो इतना रुपया लगाएंगे फिर डायरेक्ट इसे यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे यार, मतलब हाथ धोती यार तुम लोगों की बेवकूफियत की, मतलब कुछ भी यार। तो दोस्तों ये थी चलो मजाक की बात, लेकिन आप लोग सच में बेवकूफियत करते हो, मैंने आपको कुछ गलत कहा इसके लिए सॉरी। तो इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूर्यवंशी मूवी से रिलेटेड कुछ बेहतरीन जानकारी जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे रोहित शेट्टी और करण जौहर ने क्रमशः रोहित शेट्टी पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित किया है रिलायंस एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स के सहयोग से। यह शेट्टी की पुलिस यूनिवर्स की चौथी किस्त है और भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी पुलिस फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में है, अजय देवगन और रणवीर सिंह कैमियो करेंगे। दोस्तों इसमें जो संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और तनिष्क बागची ने और गुरु रंधावा ने। दोस्तों ये रिलीज होगी 25 सितंबर 2020 को भारत में रिलीज होगी और हिंदी भाषा में। चलिए इसकी मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ। दोस्तों डीसीपी वीर सूर्यवंशी के रूप में कुमार के चरित्र के अंत में घोषणा की गई थी कि सिम्बा सूर्यवंशी के एक चरित्र परिचय के रूप में कार्य किया है। कुमार आतंकवाद निरोधी दस्ते के प्रमुख की भूमिका में होंगे। यह फिल्म साजिद फरहाद द्वारा लिखी गई है और लेखकों मानव दास अनुराही और शिवांत तिवारी द्वारा सह पटकथा लिखी गई है। भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की वजह से 25 मार्च को रिलीज हो रही थी, पर अब दिवाली 2020 को रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आइए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से एक्टर ने काहे की भूमिका निभाई है। दोस्तों इसमें अक्षय कुमार बने हुए हैं वीर सूर्यवंशी और अदिति के रूप में कैटरीना कैफ जो कि वीर की पत्नी बनी हुई है, यानी कि अक्षय कुमार की पत्नी का रोल निभा रही है। रणवीर सिंह इसमें संग्राम सिम्बा भाले राव के रूप में है और अजय देवगन इसमें बाजीराव संगम के रूप में है। संगम सिंह इसमें राजू के रूप में है और उस्मानी के रूप में इसमें गुलशन ग्रोवर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभिमन्यु सिंह सिकंदर खेर भी इसमें हैं और नीना गुप्ता इसमें वीर की माँ यानी अक्षय कुमार की माँ के रूप में है और अमित कुमार मंडल इसमें कांस्टेबल अमित का रोल निभा रहे हैं। तो चलिए इसके निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों 5 मार्च 2019 जिस दिन फिल्म के दो पोस्टर आउट हुए, अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने घोषणा की उन्होंने ईद उल फितर के त्यौहार के साथ 22 मई 2020 को फिल्म को रिलीज करने की योजना बनाई थी। बाद में 12 जून 2019 को यह घोषणा की गई कि फिल्म रिलीज की तारीख 27 मार्च 2020 तक बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अब यह मूवी रिलीज होगी 25 सितंबर 2020 को। चलिए संगीत के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों फिल्म का संगीत तनिष्क बागची लिजो चार टीचे चेतन जे एम एट द्वारा दिया गया है, जिसके गीत का रस्म बिराग सबीर अहमद और तनिष्क बागची हैं। फिल्म मोहरा के गीत टिप टिप बरसा पानी को इस फिल्म के लिए पुनर्निर्मित किया गया है। रोहित शेट्टी ने फिल्म सिंघम और सिम्बा के द्वारा दो बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी हैं। इन दोनों फिल्मों में पुलिस ऑफिसर की भूमिका में अजय देवगन और रणवीर सिंह ने खूब वाहवाही लूटी है। अब इस फिल्म के तीसरे भाग में अक्षय कुमार की एंट्री हुई है। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। इस साल 2020 की सबसे बहुपरिचित फिल्मों में शुमार किया जा चुका है। सिनेब्रिटीज की लेटेस्ट रिपोर्ट में फिल्म के टाइटल से जुड़ी दिलचस्प कहानी को बयां किया गया है। इस फिल्म के टाइटल को सूर्यवंशी के मेकर्स ने विजय गलानी से
हासिल किया था। विजय की इस फिल्म में सलमान खान ने काम किया था। पहले विजय इस फिल्म के टाइटल को देने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन बोनी कपूर से बात होने के बाद उन्होंने इस राइट्स को रोहित शेट्टी को दे दिया। हालांकि टाइटल हासिल करने के बाद इस शीर्षक में बदलाव भी किए गए। यही कारण है कि इस शीर्षक के इंग्लिश की स्पेलिंग में यू की जगह डबल ओ को दो बार लगाया गया है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग शुरू हो गई थी। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ फिल्म ईद 2020 को पर्दे पर रिलीज होने वाले थे। खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही पहले पता चल गया कि फिल्म की कहानी सामने आ गई। सूर्यवंशी में अक्षय कुमार ATCS ऑफिसर की सूर्यवंशी के किरदार में नजर आएंगे, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। खास बात यह है कि सूर्यवंशी 19 के समय की कहानी होगी, जब देश में CCTV नहीं हुआ करते थे और ना ही सोशल मीडिया का रूप था। ऐसे वक्त में के रूप में रोहित शेट्टी ने इस बार कहानी में बुना है। ये पूरी फिल्म की कहानी सूर्यवंशी का सफर पर आधारित रहेगी। इसके सुकल में भी इसी कहानी को आगे बताया जा सकता है। इसमें दिखाया जाएगा कि बिना मॉडर्न तकनीक के उस वक्त पुलिस ऑफिसर किस तरह से वर्क करते थे। इस फिल्म के साथ रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार पहली बार साथ जुड़े हैं। इस फिल्म को साउथ रीमेक बताया जा रहा है। यह तमिल फिल्म तिरान अलीग्रम उर्दू का रीमेक वर्जन है, लेकिन रोहित शेट्टी ने इससे साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि एक ओरिजिनल फिल्म है, यह किसी भी फिल्म का रीमेक नहीं है। पहली बार साथ सूर्यवंशी के साथ अक्षय कुमार पहली बार रोहित शेट्टी के साथ काम करने वाले हैं। कैट और अक्षय की सुपरहिट जोड़ी भी फैंस को एक बार फिर से दीवाना करने वाली है। अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी की रिलीज डेट एक बार फिर बदल दी गई है। यह फिल्म 3 दिन पहले यानी 24 मार्च की शाम से सिनेमाघरों में देखी जा सकने वाली थी। खास बात यह है कि सूर्यवंशी ऐसी बॉलीवुड फिल्म भी होगी जिसे रिलीज के बाद मुंबई में 24 घंटे में कभी भी देखा जा सकेगा। अक्षय कुमार ने अकोस्टा ट्विटर पर एक वीडियो के जरिए जारी की थी। अक्षय ने वीडियो के कैप्शन में लिखा था कि अपराध का कोई समय नहीं है, आ रही पुलिस सूर्यवंशी दुनिया भर में 24 मार्च को रिलीज होगी। वीडियो में ऐलान किया गया है कि 24 मार्च से मुंबई के सभी सिनेमाघर 47x7 खुले रहेंगे। गुड़ी पड़वा की छुट्टी को बनाने की कोशिश। 25 मार्च को गुड़ी पड़वा की छुट्टी है, इसी को ध्यान में रखते हुए टीम सूर्यवंशी ने फिल्म 24 मार्च की शाम को रिलीज करने का फैसला लिया था। गौरतलब यह सबसे पहले E2020 पर इस फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म के साथ क्लैश से बचने के लिए इसे 2 महीने पहले 27 मार्च पर शिफ्ट कर दिया गया था। अब इसे इसमें भी 3 दिन पहले रिलीज किया जा रहा था। रोहित शेट्टी की क्रॉप ड्रामा। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी सूर्यवंशी उनके कॉप जानर की नई प्रस्तुति है। सिंघम यानी फ्रांची में अजय देवगन और सिम्बा में रणबीर सिंह को पुलिस ऑफिसर के रोल में पेश करने के बाद उन्होंने अब अक्षय कुमार पर दांव खोला है। सूर्यवंशी में अक्षय के अलावा अजय और रणबीर भी दिखाई देंगे। कैटरीना कैफ इस फिल्म में अक्षय के अपोजिट नजर आएंगी। पहली बार डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अक्षय कुमार के साथ अपनी एक्शन फिल्म सूर्यवंशी लेकर हाजिर हुए हैं और अब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका था। अक्षय कुमार वीर सूर्यवंशी के रोल में जबरदस्त एक्शन धमाका करते दिख रहे हैं। वैसे काफ़ी समय बाद अक्षय किसी एक्शन फिल्म में नजर आ रहे हैं और फैंस के लिए इसलिए भी यह ट्रीट से कम नहीं कहा जा रहा है। यह एक एक्शन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने की तैयारी में है। रोहित शेट्टी की इस पुलिस ड्रामा फिल्म का इंतजार लोगों को सिम्बा के समय से ही हो रहा था, क्योंकि उस फिल्म के अंत में ही सूर्यवंशी की झलक दिखला दी गई थी। तभी से फैंस अक्षय के इस पुलिसिया अवतार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस ट्रेलर को बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे लंबा ट्रेलर कहा जा रहा था, जो 4 मिनट 15 सेकंड का है। रोहित शेट्टी के अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी के ट्रेलर की शुरुआत मुंबई में साल 93 में बने बम धमाकों के साथ हुई है, जिसके बैकग्राउंड में अजय देवगन की आवाज है। इसके बाद 2002 बस ब्लास्ट, लास्ट 2006 में ट्रेन ब्लास्ट और इसके बाद साल 2008 में हुए धमाकों के विजुअल्स दिखाए गए हैं। 4 मिनट 15 सेकंड लंबा वक्त होता है और यह आपको ट्रेलर देखकर समझ आता है अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणबीर सिंह के फैंस के लिए यह फिल्म एक विजुअल ट्रीट होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी ट्रेलर इतना लंबा है कि आपको पूरी फिल्म ही समझ में आ जाती है। मसलन बड़ा हमला होने वाला है, 600 किलो RDX का पता लगाना है। रणबीर सिंह यानी सिम्बा की एंट्री पहले होगी और अंत में आएगा सिंघम। सूर्यवंशी की बच्ची भी है जिसकी जान जोखिम में है।
फिल्म में जबरदस्त स्टार कास्ट हैं अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, कैटरीना कैफ। लेकिन इन सब के बीच इस 4 मिनट से बड़े ट्रेलर में जैकी श्रॉफ छाप छोड़ने में कामयाब होते हैं। उनके बोलने का अंदाज स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देता। रोहित शेट्टी ने डायलॉग्स पर काफ़ी मेहनत करवाई है। फिल्म को ग्रैंड बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि सूर्यवंशी इस साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी। फिल्म में जितना मसाला है उसे देखकर साफ जाहिर होता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाएगी। खास बात यह है कि आप चाहे सिंघम के फैन हो या सिम्बा के, सूर्यवंशी फिल्म में रोहित ने सभी का ख्याल रखा है। ट्रेलर में जिस तरह तीनों सुपरस्टार्स को जगह दी गई है और तीनों कैरेक्टर के बीच जैसा कनेक्ट रखा गया वह जबरदस्त है। दमदार एक्शन के बीच सिंघम को एंट्री को लेकर खास तौर पर ट्रीटमेंट दी गई है और यह मज़ेदार भी है। दोस्तों, इस फिल्म से पहले रोहित के काप यूनिवर्स, सिंघम, सिंघम 2 और सिम्बा जैसी सुपरहिट फिल्में आ चुकी थी। पिछली बार सिम्बा में अजय देवगन ने अपने सिंघम अवतार एंट्री ली थी और अब इस बार सूर्यवंशी के क्लाइमैक्स सीन में अक्षय के साथ सिंघम और सिम्बा दोनों दिखाई देने वाले हैं। ट्रेलर लॉन्च पर रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ के अलावा करण जौहर, अजय देवगन और रणवीर सिंह भी नजर आएंगे। ट्रेलर से ठीक पहले मेकर्स ने इस फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया और अक्षय ने इसे शेयर करते हुए लिखा, क्या आप एक्शन से भरपूर सुपर कॉप कहानी के सामने आने के लिए तैयार हैं? पोस्टर पर लिखा है, आ रही है पुलिस। पॉपुलर फिल्म क्रिटिक्स तरण आदर्श ने ट्वीट कर कहा कि एक्सक्लूसिव सूर्यवंशी का ट्रेलर देखा, वाकई बेहतरीन है। सूर्यवंशी ने फिर यह साबित कर दिया कि रोहित शेट्टी मनोरंजन के निसंदेह बादशाह हैं। अक्षय कुमार के एक्शन को देखकर अच्छा लगा। बॉक्स ऑफिस पर सुनामी के लिए तैयार रहिए, यह बहुत बड़ी विनर साबित होने वाली है। बम धमाकों पर आधारित है फिल्म। फिल्म में अक्षय कुमार एंटी टेररिज्म स्क्वाड चीफ SCP वीर सूर्यवंशी का रोल निभा रहे हैं। फिल्म सूर्यवंशी 1993 बम धमाकों पर आधारित है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में संग्राम भालेराव सिम्बा के रोल में रणवीर सिंह और बाजीराव सिंघम के रूप में अजय देवगन भी दिखाई देंगे। नहीं दिखेगी फिल्म में रानी मुखर्जी। ऐसी चर्चा सामने आ रही थी कि इस फिल्म में रानी मुखर्जी भी अपने मर्दानी अवतार में देख सकते हैं, लेकिन इस बार मेकर ने इनकार किया है। 27 की जगह 24 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। बता दें कि महाराष्ट्र में सिनेमाघरों में 2400 घंटे फिल्म दिखाए जाने की अनुमति देने के राज्य सरकार के फैसले के बाद रोहित शेट्टी ने सूर्यवंशी को पहले निर्धारित तारीख से ही दिन पहले 24 मार्च को ही रिलीज करने का निर्णय किया था। फिल्म को पहले 27 मार्च को रिलीज होने वाली थी। फिल्म में कई बड़े कलाकार, सूर्यवंशी में अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ और के अलावा गुलशन ग्रोवर, सिकंदर खेर, निकेतन धीर जैसे एक्टर्स भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म में अक्षय कुमार DCP वीर सूर्यवंशी के रोल में दिखेंगे और इसमें रणवीर सिंह और अजय देवगन का भी स्पेशल अपीयरेंस होगा। सूर्यवंशी इज एन अपकमिंग इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी एंड रिटन बाय यूसुफ सजवल। प्रोडक्शन बाय हीरो एस जौहर, अरुण भाटिया, अप्रूबा मेहता एंड रोहित शेट्टी। इट इज द 4th इंस्टॉलमेंट ऑफ द शेट्टी प्लस यूनिवर्स एंड द फीचर अक्षय कुमार एज द टिटुलर कैरेक्टर अपोजिट कैटरीना कैफ। द फिल्म को स्टार्स गुलशन ग्रोवर, मनु सिंह एंड राजिया, जैकी श्रॉफ, शेखर खेर एंड निकेतन, विमल जावेद, जयप्री विल, अजय देवगन एंड रणवीर सिंह इज द रिप्राइज दियर द सिंघम एंड सिम्बा फ्रॉम द फ्रेंचाइज प्रीवियस फिल्म। डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी एंड म्यूजिक बाय गुरु रंधावा, हिमेश रेशमिया एंड रिलीज डेट नवंबर 2020। कैटेगरी कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। कुमार कैरेक्टर वाज द आंसर देयर वाज द एंड ऑफ द सिंघम द स्टोरी कैरेक्टर इज द इंट्रोडक्शन सूर्यवंशी। इट इज अ प्लेइंग DCP सूर्यवंशी एंड चीफ ऑफ द एंटी टेररिज्म स्क्वाड। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इज द फिल्म बिगन द May 2019 एंड वाज द कंप्लीटेड November 2019। शेड्यूल फॉर द रिलीज ऑन 24 मार्च 2020। द फिल्म वाज द पोस्टपोन ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक। इट इज नाउ शेड्यूल्ड द विजिट Diwali 2020। I talk about the premise. DCP Veer Suryavanshi is the chief of the Mumbai anti-terrorism squad and his team joined forces with the inspector Sangram Bhalerao and DCP Bajirao Singham to stop terrorism by the plotting to attack Mumbai. I talk about the production of this film. The film was announced December 2018. Through the post acquired the second the city police universe film the Simba on 5th March 2019. Film trailer and fans and assured shared
द फर्स्ट लुक पोस्टेड द फिल्म दिस इज द ट्विटर अनाउंसड अनलाइक प्रीवियस एंड इंटरेस्टेड दैट द फ्रांचाइज सुलवंसी इज नॉट बेस्ड ऑन एनी एक्साइटिंग वर्क बट इट्स द ओरिजिनल स्टोरी प्रिंसिपल फोटोग्राफी बुक इन द मुंबई ऑन 6 मई द नेक्स्ट शेड्यूल ऑन द फिल्म टुक प्लेस द भगवत द फिल्म इज द क्लाइमैक्स सिंस द स्टार्ट हर्स अक्टूबर द फिल्म वाज वर्ल्ड ऑन 13 नवंबर नाउ टॉक अबाउट द साउंडट्रैक ऑफ दिस फिल्म द सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय तनिष्क बागची चोर द डीजे कर्स एंड द जे एम एड द विल्स लिरिक्स रिटन बाय रश्मि ब्राग सबीर अहमद एंड तनिष्क बागची सुकंदर सिंह इज बिल बी इज द सॉन्ग नेम इट द चल रही है द टाइटल सॉन्ग टिप टिप बरसापानी फ्रॉम द फिल्म मोहरा बिल बी द रिसर्चर नाइट ऑफ द कास्ट अक्षय कुमार अजय द एडियो ऑफिसर डीसीपी पीर सूर्यवंशी घटना का पड़ा डायरेक्टर दी सूर्यवंशी अनाजय दुगना डीसीपी बाजीराव सिंघम रणबीर सिंह अजय इंस्पेक्टर संग्राम सिंह भालीराव गुलशन कुमार अजय उसमें अन अभिमन्यु सिंह द विनोद टेस्पर एंड नित्रा अभिराज आज द तेरा जैकी श्राफ सिकंदर निखिल किरोद विजय कमोट एंड मृत एंड रजीत गुप्ता द लॉर्ड्स ऑफ द एक्टर इज एक्टिंग इन दिस फिल्म तो दोस्तों ये थी चलो मजाक की बात लेकिन आप लोग सच में बेवकूफियत करते हो मैंने आपको कुछ गलत कहा इसके लिए सॉरी तो इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूर्यवंशी मूवी से रिलेटेड कुछ बेहतरीन जानकारी जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सूर्यवंशी रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित आगामी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी और करण जौहर ने क्रमशः रोहित शेट्टी पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित किया है रिलायंस एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स के सहयोग से यह शेट्टी की पुलिस यूनिवर्स की चौथी किस्त है और भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी पुलिस फिल्म है फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में हैं अजय देवगन और रणबीर सिंह कैमियो करेंगे दोस्तों इसमें जो संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और तनिष्क बागची ने और गुरु रंधावा ने दोस्तों ये रिलीज होगी 25 सितंबर 2020 को भारत में रिलीज होगी और हिंदी भाषा में चलिए इसकी मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ दोस्तों डीसीपी वीर सूर्यवंशी के रूप में कुमार के चरित्र के अंत में घोषणा की गई थी कि सिम्बा सूर्यवंशी के एक चरित्र परिचय के रूप में कार्य किया है कुमार आतंकवाद निरोधी दस्ते के प्रमुख की भूमिका में होंगे यह फिल्म साजिद फरहाद द्वारा लिखी गई है और लेखकों मानव दास अनुराही और शिवांत तिवारी द्वारा सह पटकथा लिखी गई है भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की वजह से 25 मार्च को रिलीज हो रही थी पर अब दिवाली 2020 को रिलीज होने वाली है दोस्तों आइए मैं आपको जो है ये बता देता हूँ कि कौन से एक्टर ने काहे की भूमिका निभाई है दोस्तों इसमें अक्षय कुमार बने हुए हैं वीर सूर्यवंशी और अदिति के रूप में कैटरीना कैफ जो कि वीर की पत्नी बनी हुई है यानी कि अक्षय कुमार की पत्नी का रोल निभा रही हैं रणबीर सिंह इसमें संग्राम सिम्बा भाले राव के रूप में हैं और अजय देवगन इसमें बाजीराव सिंघम के रूप में हैं संगम सिंह इसमें राजू के रूप में हैं और उस्मानी के रूप में इसमें गुलशन ग्रोवर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे अभिमन्यु सिंह सिकंदर खेर भी इसमें हैं और नीना गुप्ता इसमें वीर की माँ यानी अक्षय कुमार की माँ के रूप में हैं और अमित कुमार मंडल इसमें कांस्टेबल अमित का रोल निभा रहे हैं तो चलिए इसके निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों 5 मार्च 2019 जिस दिन फिल्म के दो पोस्टर आउट हुए अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने घोषणा की उन्होंने ईद उल फितर के त्यौहार के साथ 22 मई 2020 को फिल्म को रिलीज करने की योजना बनाई थी बाद में 12 जून 2019 को यह घोषणा की गई कि फिल्म रिलीज की तारीख 27 मार्च 2020 तक बढ़ा दी जाएगी लेकिन अब यह मूवी रिलीज होगी 25 सितंबर 2020 को चलिए संगीत के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों फिल्म का संगीत तनिष्क बागची लिजो चार्ज टीचे चेतन जे एम एट द्वारा दिया गया है जिसके गीतकार रश्म बिराग सबीर अहमद और तनिष्क बागची हैं फिल्म मोहरा के गीत टिप टिप बरसा पानी को इस फिल्म के लिए पुनर्निर्मित किया गया है रोहित शेट्टी ने फिल्म सिंघम और सिम्बा के द्वारा दो बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी हैं इन दोनों फिल्मों में पुलिस ऑफिसर की भूमिका में अजय देवगन और रणबीर सिंह ने खूब वाहवाही लूटी है अब इस फिल्म के तीसरे भाग में अक्षय कुमार की एंट्री हुई है फिल्म का नाम है सूर्यवंशी इस साल 2020 की सबसे बहुपरिचित फिल्मों में शुमार किया जा चुका है सिनेब्रिटीज की लेटेस्ट रिपोर्ट में फिल्म के टाइटल से जुड़ी दिलचस्प कहानी को बयां किया गया है इस फिल्म के टाइटल को सूर्यवंशी के मेकर्स ने विजय गलानी से
हासिल किया था। विजय की इस फिल्म में सलमान खान ने काम किया था। पहले विजय इस फिल्म के टाइटल को देने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन बोनी कपूर से बात होने के बाद उन्होंने इस राइट्स को रोहित शेट्टी को दे दिया। हालांकि टाइटल हासिल करने के बाद इस शीर्षक में बदलाव भी किए गए। यही कारण है कि इस शीर्षक के इंग्लिश की स्पेलिंग में यू की जगह डबल ओ को दो बार लगाया गया है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग शुरू हो गई थी। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ फिल्म ईद 2020 को पर्दे पर रिलीज होने वाले थे। खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही पहले पता चल गया कि फिल्म की कहानी सामने आ गई। सूर्यवंशी में अक्षय कुमार ATCS ऑफिसर की सूर्यवंशी के किरदार में नजर आएंगे, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। खास बात यह है कि सूर्यवंशी 19 के समय की कहानी होगी, जब देश में CCTV नहीं हुआ करते थे और ना ही सोशल मीडिया का रूप था। ऐसे वक्त में के रूप में रोहित शेट्टी ने इस बार कहानी में बुना है। ये पूरी फिल्म की कहानी सूर्यवंशी का सफर पर आधारित रहेगी। इसके सीक्वल में भी इसी कहानी को आगे बताया जा सकता है। इसमें दिखाया जाएगा कि बिना मॉडर्न तकनीक के उस वक्त पुलिस ऑफिसर किस तरह से वर्क करते थे। इस फिल्म के साथ रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार पहली बार साथ जुड़े हैं। इस फिल्म को साउथ रिमेक बताया जा रहा है। यह तमिल फिल्म डार तिरान अलीग्रम उर्दू का रिमेक वर्जन है, लेकिन रोहित शेट्टी ने इससे साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि एक ओरिजिनल फिल्म है, यह किसी भी फिल्म का रिमेक नहीं है। पहली बार साथ सूर्यवंशी के साथ अक्षय कुमार पहली बार रोहित शेट्टी के साथ काम करने वाले हैं। कैट और अक्षय की सुपरहिट जोड़ी भी फैंस को एक बार फिर से दीवाना करने वाली है। अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी की रिलीज डेट एक बार फिर बदल दी गई है। यह फिल्म 3 दिन पहले यानी 24 मार्च की शाम से सिनेमाघरों में देखी जा सकने वाली थी। खास बात यह है कि सूर्यवंशी ऐसी बॉलीवुड फिल्म भी होगी जिसे रिलीज के बाद मुंबई में 24 घंटे में कभी भी देखा जा सकेगा। अक्षय कुमार ने अकोस्टर ट्विटर पर एक वीडियो के जरिए जारी किए थे। अक्षय ने वीडियो के कैप्शन में लिखा था कि अपराध का कोई समय नहीं है, आ रही पुलिस सूर्यवंशी दुनिया भर में 24 मार्च को रिलीज होगी। वीडियो में ऐलान किया गया है कि 24 मार्च से मुंबई के सभी सिनेमाघर 47x7 खुले रहेंगे। गुड़ी पड़वा की छुट्टी को बनाने की कोशिश। 25 मार्च को गुड़ी पड़वा की छुट्टी है, इसी को ध्यान में रखते हुए टीम सूर्यवंशी ने फिल्म 24 मार्च की शाम को रिलीज करने का फैसला लिया था। गौरतलब या सबसे पहले E2020 पर इस फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म के साथ क्लैश से बचने के लिए इसे 2 महीने पहले 27 मार्च पर शिफ्ट कर दिया गया था। अब इसे इसमें भी 3 दिन पहले रिलीज किया जा रहा था। रोहित शेट्टी की क्रॉप ड्रामा। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी सूर्यवंशी उनके कॉप जानर की नई प्रस्तुति है। सिंघम यानी फ्रांची में अजय देवगन और सिम्बा में रणबीर सिंह को पुलिस ऑफिसर के रोल में पेश करने के बाद उन्होंने अब अक्षय कुमार पर दांव खोला है। सूर्यवंशी में हेलो दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना एक ऐसी मूवी थी जो कि भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई थी। ये किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये मूवी फ्लॉप होगी। ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और है भी इंटरेस्टिंग। एक इंटरव्यू में जब दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि आपके लाइफ की सबसे ख़राब फिल्म कौन सी है, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए और बिना देरी किए चांदनी चौक टू चाइना का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ना जाने ये फिल्म क्यों कर ली, मेरे मन में क्या चल रहा था, ये मेरे ज़िंदगी की सबसे बेकार फिल्म है जो कि इतनी बुरी तरह से पिटी हुई थी। यह फिल्म जो है बनी थी 62 करोड़ रुपए में और इसकी भारत में कमाई हुई थी 23 करोड़ और दुनिया भर की कमाई हुई थी 56 करोड़। तो जहां पर इसकी बजट था 62 करोड़, वहां पर दुनिया भर यानी ग्रोस कलेक्शन में भी मात्र 56 करोड़ का बिजनेस कर पाई थी, यानी अपना लागत भी नहीं निकाल पाई थी। ये फिल्म कॉमेडी और फैंटास्टिक एक्शन पर आधारित है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है रिव्यू में कि इस मूवी में बहुत सारे फालतू की चीज़ें दिखाई गई थी, जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि अक्षय कुमार के इसमें दादा मिथुन चक्रवर्ती बने हुए थे, जो कि इनके जब किक मारते हैं तो वे रॉकेट की तरह आसमान में उड़ते हैं, जो कि एक फालतू की चीज़ बताया कुछ लोगों ने रिव्यू में। और भी बहुत सारी चीज़ें कही उन्होंने कहा कि जब वह चाइनीज़ कुल्फू सीखते हैं तब वह सिर्फ मौन धारण करने पर बहुत सारा तूफान आ जाता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसमें बहुत सारी जो है काल्पनिक चीज़ें यानी बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें दिखाई गई थी, जिसकी वजह लोग बताते हैं इस फिल्म के फ्लॉप होने की।
फिल्म काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारे यानी बकवास चीज़ें इसमें बताई गई थी कि बहुत सारी इसमें कहानी से ज़्यादा इसमें बकवास भरी हुई ऐसा कहना है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म बकवास है या सही? यह कहानी थी सिंधु चौक, एक दुकान पर सब्जी काटने का काम करता है। वह जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखता है। एक दिन दो चाइनीज पर्यटक उसकी दुकान पर आते हैं। वह सिद्धु को उसके भगवान का रूप बताते हैं। इस बात का जड़ से पता लगाने के लिए वह चाइना जाता है। क्या सिद्धू किसी मुश्किल में पड़ जाएगा? तो दोस्तों ये थी चांदनी चौक टू चाइना की हमारी तरफ से छोटी सी जानकारी। आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। वह क्यों हटाते हैं ये बात करते हैं। जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वह जो है इस मूवी को यूट्यूब से हटवा देती हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये मूवी जो है अक्षय कुमार की ये फ्लॉप हो गई थी। ये 800 मिलियन डॉलर में बनाई गई थी और इसने कमाए थे सिर्फ 550 मिलियन डॉलर, और इसीलिए जो है सुपर फ्लॉप मूवी हुई थी। तो इसीलिए जो है जो कंपनियां इसको खरीदी थी मूवी को, वह जो है इसकी भरपाई के लिए अभी भी इसे पैसे लेकर ही दिखा रही हैं। तो आपको यह फुल मूवी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अपलोड करते हैं बहुत से लोग, किसी की तुरंत ही हटा दी जाती है, किसी की मूवी को तो 1 घंटा तक चले, किसी की 1 मिनट तक चले। तो अगर आपने एक दो बार यूट्यूब पर सर्च किया होगा इसे, आपको नहीं मिली होगी, तो आपको दोबारा नहीं सर्च करना है। आपके खुद आपके सजेशन में आ जाएगी, और जैसे ही आ जाए आपको ऑनलाइन इसे नहीं देखना, तुरंत इसे डाउनलोड पर लगा लेना है, क्योंकि ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं भाई कितनी देर में रिमूव हो जाए यानी हटा दी जाए यूट्यूब से। तो आपको उसे तुरंत डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको देखना, अगर बाय चांस आपको मिल जाए यूट्यूब पर तो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और इसकी स्टोरी क्या थी, बहुत सारे जो आपको काफी जो है आपको पसंद आएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस मूवी के जो निर्माता हुए हैं रोहन सिप्पी, निर्देशक है निखिल अडवाणी, संगीत है इसमें जो है शंकर एहसान लायका, कलाकार इसमें अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणबीर सौर, गार्डन लिया, रिचार्ड युआन, मिथुन चक्रवर्ती। हॉलीवुड की फिल्म कंपनी वार्नर ब्रदर्स को रमेश सिप्पी, मुकेश तलरेजा, रोहन सिप्पी और निखिल अडवाणी ने मिलकर किस तरह चूना लगाया इसकी मिसाल है चांदनी चौक टू चाइना। हॉलीवुड कंपनियों के दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि बॉलीवुड की नाच गाने और ओट पटांग हरकतों वाली फिल्में बेहद पसंद की जाती हैं। इसी बात को आधार बनाकर सिप्पियों ने चांदनी चौक टू चाइना नामक फिल्म उन्हें टिका दी और अपनी जेबें भर ली। फिल्म के लेखक श्रीराम राघवन ने इसकी कहानी लिखने के लिए हॉलीवुड की फिल्में देखने की भी तकलीफ नहीं उठाई। उन्होंने अपने निर्माता रमेश सिप्पी की सीता और गीता शोले जैसी फिल्मों से ही कहानी निकाल ली ताकि कॉपीराइट का मामला भी ना हो। चांदनी चौक टू चाइना इतनी बेसिर पैर फिल्म है कि आश्चर्य होता है कि इस पर इतना पैसा क्यों खर्च किया गया। वार्नर ब्रदर्स ने इस कहानी में ऐसा क्या देखा कि वे इसमें भागीदार बन गए? शायद उन्होंने रमेश सिप्पी के पिछले रिकॉर्ड को देख पैसा लगाया होगा। 70 और 80 दशक की ज़्यादातर फिल्में मिलना, बिछोड़ना, खोया पाया, डबल रोल, यदाश्त का चले जाना और फिर लौट आना, पुनर्जन्म, बदला, खलनायक का गांव के आतंक फैलाना जैसे फार्मूलों पर आधारित रहती थी। इन सब का घलमोल कर चांदनी चौक टू चाइना में परोसा गया है। ओम शांति ओम और टसन के बाद चांदनी चौक टू चाइना तीसरी ऐसी बड़ी फिल्म है जो उस दौर में बनने वाली फिल्मों पर आधारित है। चांदनी चौक में पराठे बेचने की दुकान में काम करने वाले सिद्धू यानी अक्षय कुमार के सपने बड़े बड़े हैं। वह अमीर बनना चाहता है लेकिन मेहनत पर उसका यकीन नहीं है। एक दिन दो चीनी उसके पास आते हैं और वह सिद्धू को एक मशहूर चीनी योद्धा का पुनर्जन्म मानते हैं। चपास्टिक यानी रणवीर शौरी नामक दुभाषिया सिद्धू को बेवकूफ बनाकर चीन पहुंचा देता है। चीन पहुंचकर सिद्धू को पता चलता है कि उसे होजो नामक आदमी से एक गांव को छुड़ाना है जो बेहद खतरनाक है। गांव के लोग सिद्धू को महान योद्धा मानते हैं, लेकिन होजो के सामने सिद्धू के पुल खुल जाते हैं। जब होजो सिद्धू की खूब पिटाई करता है तो वह उसे मारने की कसम खाता है। एक कुंगफू मास्टर से वह कुंगफू सीखता है और अपना बदला लेता है। कहानी में सखी और म्याओ नामक दीपिका पादुकोण की दोहरी भूमिकाएं भी हैं। सखी और म्याओ जुड़वा बहनें हैं और बचपन में होजो की वजह से बिछड़ गई थी। होजो की वजह से उनकी मां की मृत्यु हुई थी और उनके पिता की यदाश्त चली गई थी। सखी और म्याओ को होजो के बारे में पता चलता है तो वह भी उससे बदला लेना चाहती हैं। सिद्धू को कुंफू उनके पिता ही सिखाते हैं। सिद्धू कामयाब होता है और आखिर में पूरे परिवार का मिलन हो जाता है।
पुरानी फिल्मों को देखकर भी नई कहानी ढंग से नहीं लिखी जा सकी। इस कहानी में ढेर सारे अगर मगर हैं, माना कि सिनेमा के नाम पर थोड़ी छूट ली जा सकती है, लेकिन इसकी भी सीमा होती है। फार्मूला या मनोरंजक फिल्म बनाने के नाम पर दर्शकों को बेवकूफ तो नहीं समझा जा सकता। मसाला इतना ही मत डालो कि हाजमा खराब हो जाए। निर्देशक निखिल अडवाणी का प्रस्तुतिकरण भी बेहद घटिया है। ऐसा लगा कि वे 70 और 80 के दशक में बनी फिल्मों का चांदनी चौक टू चाइना के जरिए मजाक उड़ा रहे हों। फिल्म की कहानी गंभीरता की मांग करती है, लेकिन उन्होंने इसे कॉमेडी के अंदाज में पेश किया, जिससे मामला चौपट हो गया। कॉमेडी का भूत उन पर ऐसा सवार था कि हर दृश्यों में उन्होंने कॉमेडी घुसेड़ दी, चाहे वो रोमांटिक दृश्य हो, भावुक दृश्य हो या एक्शन सीन हो। कॉमेडी के नाम पर हास्यास्पद दृश्य रचे गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जब अक्षय कुमार को लात जमाते हैं तो अक्षय रॉकेट की तरह आसमान में जाते हैं और धड़ाम से नीचे गिरते हैं। होजो के एक आदमी को अक्षय कुमार जोर जोर से घुमाने लगते हैं तो आंधी चलने लगती है और आसपास के लोग उड़ने लगते हैं। अक्षय और दीपिका जब एक बिल्डिंग से गिरते हैं तो दीपिका छाता खोल देती है तो पैराशूट का काम करता है। ऐसे एक दो दृश्य तो बर्दाश्त किए जा सकते हैं, लेकिन जब पूरी फिल्म ही ऐसी हो तो दर्शक चांदनी चौक टू चाइना बनाने वालों की अकल पर सिर्फ तरस खा सकते हैं। इन दृश्यों को लेकर भला कोई कैसे हंस सकता है? पैसा खर्च करने में भी अकल का इस्तेमाल होता है, लेकिन निखिल अडवाणी ने निर्माताओं का पैसा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलाम या इश्क जैसी डब्बा फिल्म बनाने के बाद एक और डब्बा फिल्म उन्होंने अपने नाम कर ली है। टशन हो या सिंह इज किंग या चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय का किरदार हर जगह एक जैसा नजर आता है, वही जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति का। उन्हें टाइप्स होने से बचना चाहिए। चांदनी चौक टू चाइना में उन्होंने दर्शकों को हंसाया, लेकिन अब दोहराव महसूस होने लगा है। उनकी क्षमताओं का पूरा दोहन निर्देशन नहीं कर पाए, खासकर स्टंट दृश्यों में अक्षय का और बेहतर उपयोग किया जा सकता था। फिल्मों के चयन के मामले में उन्हें सावधानी बरतना चाहिए। दीपिका पादुकोण खूबसूरत लगी और उन्होंने स्टंट दृश्य अच्छे से अभिनीत किए। गार्डन लियू ने खलनायकी के तेवर दिखाए। रिचर्ड युआन, मिथुन चक्रवर्ती और रणबीर सॉरी ठीक ठाक रहे हैं। संवादों के जरिए कुछ जगह हंसने का अवसर मिलता है। चीनी भाषा में भी ढेर सारे संवाद हैं, हालांकि उन्हें अंग्रेजी सबटाइटल के साथ दिखाया गया है, लेकिन हिंदी में उन्हें दिया जाता तो ज़्यादा दर्शकों का इसका लाभ मिलता। फिल्म का तकनीकी पक्ष सशक्त है। स्टंट दृश्य फोटोग्राफी पर बहुत मेहनत की गई है। संगीत निराशजनक है। हिट गानों का अभाव अखरता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चांदनी चौक टू चाइना में न चांदनी चौक के पराठों की महक है और न चाइना के नूडल्स का स्वाद। इस फिल्म को देखने में पैसा खर्च करने के बजाय नूडल्स खरीद कर खाना बेहतर है। ये दोस्तों हम बता रहे हैं वेब दुनिया के आधार पर। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, अगर आप बेबी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये यूट्यूब पर जैसे ही अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और उसके चैनल को भी डिलीट कर देते हैं। आइए जानते हैं कि वह ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों, जो कंपनियाँ इस मूवी की मालिक हैं वह इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं। दोस्तों, वह कंपनियाँ अब भी अपने साइट पर पैसे लेकर दिखा रही हैं इस मूवी को, और लोग इस मूवी को पैसे देकर देख भी रहे हैं। तो जब तक लोग इस मूवी को पैसे देंगे तब तक कोई फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। भाई कोई भी हो, जब तक पैसा आ रहा है तो फ्री में क्यों देगा? कोई नहीं देगा। तो यही रीज़न है कि ये यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी, बहुत ही अच्छे रोचक तथ्य मैं इस वीडियो में बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो ज़रूर देखें वीडियो अगर आप मूवी को देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेबी एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म है जिसे नीरज पांडे निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2015 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। इसके निर्देशक हैं नीरज पांडे, निर्माता हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, शीतल भाटिया, अभिनेता हैं अक्षय कुमार, संपादक हैं श्री नारायण सिंह। यह रिलीज हुई थी 23 जनवरी 2015 को इंडिया में। 159 मिनट की मूवी थी। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी और लागत थी इसकी 58 करोड़ रुपये और कुल कारोबार यानी कुल कमाई हुई थी 62 करोड़ रुपये। तो चलिए अब जानते हैं कहानी को। बेबी नाम के गुप्त एजेंटों की इकाई है जो कि भारत सरकार के लिए काम करती है। फिरोज अली खान इस इकाई की अगुवाई करते हैं। अजय सिंह राजपूत एक गुप्त सुरक्षा इकाई में कार्य करता है। वह अपने दल का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है। जय सिंह प्रिया सूर्यवंशी एवं शुक्ला दल के साथी हैं। इनका काम देश के आतंकवादियों को ख़त्म करना है। अजय को एक दिन राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा का पता चलता है। आतंकवादी मास्टरमाइंड मौलाना रशीद नाज भारत में सीमा पार से आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा है, लेकिन बेबी टीम
को पहले ही इस साजिश के बारे में पता लग जाता है और वह उसे निपटने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं और अंत में उनकी विजय होती है और कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इसकी शॉर्ट स्टोरी। हम अभी आगे इसकी लॉन्ग स्टोरी के बारे में बात करेंगे, इससे पहले कुछ और भी इस मूवी के बारे में जान लेते हैं। इसमें कलाकार हैं अक्षय कुमार जो कि अजय सिंह राजपूत का रोल निभा रहे हैं, डैनी डेंजो कप्पा जो कि फिरोज अली खान का रोल निभा रहे हैं, अनुपम खेर ओम प्रकाश शुक्ला का रोल निभा रहे हैं, राणा डगबट्टी जय सिंह अटाठोर का रोल निभा रहे हैं, तापसी पन्नू प्रिय सूर्यवंशी का रोल निभा रहे हैं, के मेनन बिलाल खान का रोल निभा रहे हैं, इसी तरह और भी कुछ हैं। तो चलिए अब इसके निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। इसका निर्माण 4 सितंबर 2014 से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। यहाँ कई भाग गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में बनाया गया। फिल्म का दूसरा चरण नेपाल में संपन्न हुआ था। चलिए अब बात करते हैं सॉन्ग के बारे में, यानी इसके म्यूजिक के बारे में। इस फिल्म के गाने को मनोज मुंतशिर ने लिखा है। पहला गाना था बेपरवाह जिसके गीतकार थे मनोज सुतंशिर, इसके गायक थे मीट ब्रोस अंजन अपेक्षा डंडेकर और इस गाने की जो समय था इस गाने का वो था 5 मिनट 13 सेकंड। दूसरा गाना था मैं तुमसे प्यार नहीं करता जिसके गीतकार थे मनोज मुंतशिर, इसके गायक थे पापोन, ये गाना 4 मिनट 13 सेकंड का था। फिर तीसरा गाना था बेपरवाह MBS स्वाग, इसके गीतकार थे मनोज मुंतशिर और गायक थे इसके मीट ब्रोज अनजान एयरल एगर, ये गाना 4 मिनट 22 सेकंड का था। चौथा गाना था मैं तुझे प्यार नहीं करती जो कि फीमेल में था, जिसके गायक थे मनोज मुंतशिर और इसके गीतकार थे मनोज मुंतशिर, इसके गायक थे राम्या बेहरा, यह गाना 3 मिनट 50 सेकंड का था। इसी तरह कुल जो साउंड ट्रैक था वो था 17 मिनट 38 सेकंड का पूरा साउंड ट्रैक था। अक्षय कुमार ने अपने फिल्म की प्रथम छवि फेसबुक के माध्यम से 25 अगस्त 2014 को रिलीज की थी। इस फिल्म का कुछ भाग 20 नवंबर को दिखाया गया था और आधिकारिक रूप से इसका पूर्वलोकन 3 दिसंबर 2014 को प्रदर्शित किया गया था। देश को आतंकवादियों की ऐसी नई कमियां मिलती रहती हैं जिनसे आम आदमी अनजान रहता है। इन धमकियों से सरकार अपने तरीके से निपटती है। आम आदमी जहां अपनी रोज जरा समस्याओं से जूझता रहता है लेकिन इस बात से बेखबर रहता है कि उसकी रक्षा के लिए यूनिफॉर्म पहने कुछ महिलाएं और पुरुष देश के लिए खतरा बनती चुनौती से निपटते रहते हैं ताकि आम आदमी चैन की नींद सो सके। अजय सिंह राजपूत यानी अक्षय कुमार एक होनहार अफसर है और उसे कवर्ट काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के लिए चुना गया है। एक आतंकी की धमकी से निपटने लगा अजय यह पता करने में कामयाब होता है कि आने वाले दिनों में देश के लिए आतंकवादियों ने खतरनाक योजना बना रखी है। एक ऐसा प्लान जिससे बहुत नुकसान के अलावा देशवासियों के दिल में खौफ पैदा करना उनका मकसद है। यह योजना एक खतरनाक आतंकवादी के दिमाग की उपज है जो पूरी दुनिया में दहशत फैलाना चाहता है। इस प्लान को नाकाम करने के लिए बहुत ही कम समय है। अजय और उसकी टीम अपने मिशन पर जुट जाती है। यह ऑपरेशन काठमांडू इस्तांबुल और धामी दिल्ली और मुंबई में चलता है। पूरी टीम का मिशन है कि तब तक चैन की सांस नहीं लेना है जब तक मास्टरमाइंड आतंकी के प्लान को असफल नहीं कर लिया जाता है। क्या मौलाना रहमान और उसके साथियों के भारत में आतंक फैलाने के खतरनाक इरादे कामयाब हो पाएंगे? क्या भारतीय सरकार इस मिशन में पूरी तरह आज का साथ देगी? क्या अजय और उसके साथी खतरनाक आतंकवादियों से निपट पाएंगे? ये सब अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसमें कोई शक नहीं कि नीरज पांडे एक अच्छे डायरेक्टर हैं। वे अच्छी कहानियां चुनते हैं, एक्टरों से अच्छा काम लेते हैं और कहानी तथा एडिटिंग को काफ़ी सदा हुआ रखते हैं। इन सारी बातों के दर्शन बेबी में भी हो जाते हैं। कहानी टाइट है, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है लेकिन नीरज पांडे फिल्म में अपना फोकस खाते नहीं हैं और ऐसा ही पूरी फिल्म में भी नज़र आता है। जहां हर किरदार अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, कहानी रफ्तार से चलती है लेकिन फिल्म में डी डे और हॉलीडे जैसी फिल्मों की झलक मिलती है। कुछ चुनिंदा अफसरों का 5 साल का बेबी नाम का मिशन है। इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य के दुश्मनों को नेस्ता नबूद करना है। इनके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। इसी तरह एक अधिकारी है अक्षय कुमार, उसे आतंकवादी के मेनन को ठिकाने लगाना है ताकि देश के सुरक्षित किया जा सके। कहानी में तापसी पन्नू राणा डगबत्ती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते जाते रहते हैं। हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे फैक्टरों के लिए ज़्यादा समय नहीं है। सीन काफ़ी लंबे है, कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कई पल हैं। फिल्म का डायरेक्शन और नीरज का ट्रीटमेंट फिल्म का USP है। नीरज पांडे की फिल्मों में कोशिश कहानी को ऊपर रखने की होती है।
बेबी भी ऐसी फिल्म है। अक्षय कुमार का चयन एकदम सही है। वह भागते और एक्शन करते हैं तो लगता है कि वह बंदा ऐसा कर सकता है। वैसे भी वह नीरज के साथ स्पेशल 26 जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं। फिल्म में डैनी बढ़िया लगे हैं। वैसे डायरेक्टर के किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका नहीं दिया है। उसका पूरा फोकस अक्षय कुमार पर ही रहा है। तापसी पन्नू को थोड़ा और देखने का मन करता है। वह एक्शन करती हैं, मजा आता। अनुकम खेर भी ओके हैं। राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम दिखे हैं। यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा थी। फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी यह फिल्म खास है, क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में दिखेंगे। एकदम गंभीर वाले फिल्म में उनकी छाप कहीं नज़र नहीं आती है। पूरा स्टाइल नीरज का है। फिल्म को लेकर वर्ड वाफ माउथ काफ़ी काम करेगा। इससे 4 दिन का वीकेंड मिल रहा है। फिर कहानी में तेजी, कमाल की एडिटिंग और देशभक्ति की भावना इस हफ्ते के अनुकूल भी थी। उस हफ्ते डाली की डोली रिलीज हुई थी और फिल्म पूरी तरह अलग तेवरों की थी, तो बेबी को दर्शक मिलने में ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं थी। फिल्म काफ़ी बड़े बजट की थी, इसलिए वीकेंड इसके लिए काफ़ी अहम रहा था। देश है तो लोग हैं, लोग हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस है। पुलिस का सबसे बड़ा शत्रु आतंकवाद, और आतंकवाद से निपटने के लिए अलग अलग तरीके भी हैं। हॉलीवुड में इन तरीकों को फिल्मी पर्दे पर उकेरने के कई प्रयास किए गए। ए वेडनेसडे और स्पेशल 26 जैसी बेहतरीन फिल्मों के बाद डायरेक्टर नीरज पांडे ने भी इस ओर एक अनूठी कोशिश की है और नाम दिया है बेबी। यह फिल्म देश के जाबाजों की कहानी है। इसमें सीक्रेट मिशन है, एक्शन है, आतंकवादियों का जुनून है, नफरत और नापाक साजिश है, भरी भरकम डायलॉग हैं, तो बीच बीच में हंसी की फुहारें भी हैं। फिल्म में अक्षय कुमार ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एक जाबाज सिपाही बने हैं, जो डैनी के अंडर में काम करते हैं। वह ऐसे सिपाही है जो घर में बीबी और 2 बच्चों के होने के बावजूद किसी भी मिशन के लिए 24/7 तैयार रहते हैं। फिल्म की कहानी में आतंकवाद को बढ़ते सुनामी को रोकने के लिए एक के बाद एक कड़ियों को सुलझाने का सिलसिला चलता रहता है। फिर आखिरी में एक मिशन के लिए 3 अफसरों अक्षय कुमार, राणा डगुबाती और अनुपम खेर को चुना जाता है। सभी सऊदी अरब के लिए रवाना होते हैं और मिशन को अंजाम तक पहुँचाते हैं। इसी मिशन का नाम है बेबी। ले बात करते हैं आप ये फिल्म क्यों देखें। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म में अक्षय कुमार ने अपने फिल्मी करियर के अभी तक सर्वश्रेष्ठ किरदार में हैं। नेगेटिव रोल में के मेनन हो या बिलाल, ऐसा मालूम पड़ता है कि यह उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाता है। इसके अलावा सुशांत सिंह जावेद और 2007 में रिलीज फिल्म खुदा के लिए के जरिए दमदार दस्तक देने वाले पाकिस्तानी एक्टर राशिद नाज, सभी ने अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया है। फिल्म की एडिटिंग चुस्त है। एक भी गैर जरूरी सॉन्ग नहीं, बेवजह रिझाने के लिए कोई बोल्ड सीन नहीं। पर्दे पर जो भी होता है सब शुरू से अंत तक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एजेंट के रूप में तापसी पन्नू ने भी बेहतरीन अभिनय किया है। चलिए बात करते हैं कि क्यों ना देखें। फिल्म में कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो शायद आपको तर्कहीन लग सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसी फिल्मों में कड़ियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिल्म 2 घंटे 39 मिनट की है और नीरज ने दर्शकों को कुर्सी से बांधने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। बेबी इज 2015 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे। द फिल्म स्टार अक्षय कुमार एंड द लीड रोल अलोंग विद द तापसी पन्नू, राणा दगुबाती, डेनी डेंजगोका, अनुपम खेर, मिल्का जुल्फिकर, के मेनन एंड मधुर मातुली एंड रेशद नाज इज सपोर्टिंग रोल्स। मेड इन बजट ऑफ 58.3 मिलियन US डॉलर। द फिल्म रिलीज ऑन 23 January 2015 टू जनरली पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम क्रिटिक्स, हु पार्टिकुलरली प्रेशर टू द डायरेक्शन एंड कुमार परफॉर्मेंस। डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे, प्रोड्यूसर्ड बाय भूषण कुमार, अर्घा भारती, शीतल भाटिया, कृष्ण कुमार, रिटन बाय नीरज पांडे, स्टारिंग अक्षय कुमार, डैनी डेंजोंगपा, राणा दगुबाती, तापसी पन्नू, के मेनन, सुशांत सिंह, माधुरी तुली, मिल्का जुल्फर, मुरली शर्मा एंड रशीद नाज, अनुपम खेर, पृथ्वीराज सुकुमार। नरेटेड बाय डैनी डेंजोंगपा। म्यूजिक बाय प्रोफेशनल, साउंड ट्रैक MM करवानी, मेट ब्रो एंड अनजान, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी। नाउ टॉक अबाउट द सिनेमाटोग्राफी, सुदीप
छत्री जी, एडिटिंग बाय सारे एसरी नारायण सिंह एंड प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज क्रोचिंग टाइगर कैप ऑफ गुड फिल्म फ्राइडे फिल्म वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड बाय टी सीरीज एंड वेट हेल साउंड स्टूडियो नॉर्थ अमेरिका फॉक्स स्टार स्टूडियो रिलीजेड डेट 23 January 2015 इन इंडिया रनिंग टाइम 159 मिनट एंड कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट of this film 58.97 crore and box office collection 142.99 crore rupees. I talk about the plot of this film. The plot follows the last mission of Baby, a temporary task force ahead by Feroz Ali Khan, formed in the response to the 2008 Mumbai attack, whose job is to pin and eliminate terrorists who are the planning attack in India. While attempting to rescue the fellow India security against the Turkey, Ajay Singh Rajput captures a trailer Jamal Karan Anand, who formerly worked under Ajay and threatened to kill his family unless he gave his the information about the terror attack plan. Ajay is told about a terrorist plot to the cause a bomb blast in Delhi Mail, which he and Jay are able to prevent. In the process, Ajay learns that his was only the first of a series of massive attacks that have been planned. Pakistan-based terrorist and mastermind Maulana is causing trouble near the India-Pakistan border. The plans and executes during Operation Special Plan for Bilal Khan, a team of officers led by Ajay is dedicated to the target ask and ASI agent. Passing as a local Muslim leader, Ajay managed to get information of the local content Javed. After delivering him, they go to Javed's head out, but think to higher than all of the circle members. And except Ajay are killed in a explanation along with the Javed, they are able to retrace a name from Javed's laptop and to collect further information from the terrorist logistics planner. Ajay and Sabana Khan travel to Nepal, pretending to the Atubi husband and wife. They are plan to capture the logistic planner Wasim Sikh goes early when the find out that Sabha is an undercover officer. Still, Sabha managed to hold Wasim and Ajay arrive to find that Sabana has knocked him unconscious. As per the information given by Wasim, Feroz sends Ajay Jahan Shukla to meet their deep pursuit and establish Saudi Aldeia, where Bilal is holding meeting to discuss the funding and execution of their plan. The Ajay and Jay break into Bilal's room after the meeting with the help of Shukla and kills Bilal. As they are about to return, they find that Maulana is also a street chai, knock him out. They decide to bring Maulana back to India under the pretext that he is the relative who needs to the visit India for an urgent live transplant. We manage to get away from the local authorities. Maulana being Swan is the Ashfaq in the uncle with Ashfaq help. Soon the hotel security and discover the crops Bilal and police. Another put the police chief Hanif Muhammad is charged to the investigation the crime. He attempt to track down his murders quickly and defines them as India agents. Then contact ADC to stop the plan. Boarded by Ajay and his team, but when he see newspaper which reveals that Maulana and Bilal were a terrorist and had the international
बाउंटी एंड देयर हेड ही स्माइल एंड लेड टू द प्लेन टेक ऑफ मौलाना इज फाइनली ब्रॉट इन इंडिया हिज कैप्ट सीक्रेट आफ्टर सिक्स वीक इज द इंटरनेशन बाय द इंडियन आर्मी इज सिंगर हिज द जेलर्ड द ट्रायल रन इज द सक्सेसफुल एंड बेबी इज गिवन परमानेंट स्टेटस द टीम सेलिब्रेशन इट नाउ टॉक अबाउट द कास्ट ऑफ दिस फिल्म अक्षय कुमार आज राहुल अवस्थी अजय सिंह राजपूत रफीका पंड तापसे पन्नू आज द शबाना खान नाउ टॉक अबाउट द प्रोडक्शन एंड बेबी इज वॉज द प्रोड्यूसर ऑन द टी सीरीज अलॉन्ग विद द क्रूसिंग टाइगर प्राइड फिल्म वर्क एंड केयर्स ऑफ द गुड फिल्म The filming began on 4 September 2014 in Greater Noida, Uttar Pradesh. Same filming was done in the Gautam Buddha University at Meditation Hall, Shanti Sarovar and Library at Greater Noida. The second part was shot in Nepal and the team completed their final and schedule in Abu Dhabi in October. Some parts were also shot in Istanbul. Now I talk about the soundtrack of this film. The song for the film features song composed by M.M. Karwani and Meet Broch Anjan. Lyrics for written by Manoj Munister. The film score and composed by Sanjay Chaudhary. All lyrics are written by Manoj Munister. Now I talk about the release and respects and critical response. Baby was released to positive reviews. Subhash Kacha gave the film 4.5 stars out of 5 and stated Baby is the one halwa roller coaster ride, Miss RTO, One Risk and Sarita a 20 of the Daily News and analysis gave the movie 4 star distribution Akshay Kumar and performance is the movie as is. Best Anuj Kumar is the Hindu and sometimes to be billed as the gripping epinichal thriller and issue drama and education. Akshay Kumar as Rahul Awasthi, Ajay Singh Rajput, Rafika Band, Tapse Pannu as the Shabana Khan. Now we talk about the production and Baby is was the producer on the T series along with the Crushing Tiger Pride film work and Cares of the Good Film. The filming began on 4 September 2014 in Greater Noida, Uttar Pradesh. Same filming was done in the Gautam Buddha University at Meditation Hall, Shanti Sarovar and Library at Greater Noida. The second part was shot in Nepal and a team completed their final and schedule in Abu Dhabi in October. Some parts were also shot in Istanbul. Now I talk about the soundtrack of this film. The song for the film features song composed by M.M. Karwani and Meet Broch Anjan. Lyrics for written by Manoj Munister. The film score and composed by Sanjay Chaudhary. All lyrics are written by Manoj Munister. Now I talk about the release and respects and critical response. Baby was released to positive reviews. Subhash Kacha gave the film 4.5 stars out of 5 and stated Baby is the one halwa roller coaster ride, Miss RTO, One Risk and Sarita a 20 of the Daily News and analysis gave the movie 4 star distribution Akshay Kumar and performance is the movie as is. Best Anuj Kumar is the Hindu and sometimes to be billed as the gripping epinichal thriller and issue drama and education. हेलो दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना एक ऐसी मूवी थी जो कि भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई थी। ये किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये मूवी फ्लॉप होगी। ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और है भी इंटरेस्टिंग। एक इंटरव्यू में जब दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि आपके लाइफ की सबसे ख़राब फिल्म कौन सी है, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए और बिना देरी किए चांदनी चौक टू चाइना का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ना जाने ये फिल्म क्यों कर ली, मेरे मन में क्या चल रहा था, ये मेरे ज़िंदगी की सबसे बेकार फिल्म है जो कि इतनी बुरी तरह से पिटी हुई थी। यह फिल्म जो है बनी थी 62 करोड़ रुपए में और इसकी भारत में कमाई हुई थी 23 करोड़ और दुनिया भर की कमाई हुई थी 56 करोड़। तो जहां पर इसकी बजट था 62 करोड़, वहां पर दुनिया भर यानी ग्रोस कलेक्शन में भी मात्र 56 करोड़ का बिजनेस कर पाई थी, यानी अपना लागत भी नहीं निकाल पाई थी। ये फिल्म कॉमेडी और फैंटास्टिक एक्शन पर आधारित है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना रिव्यू में कि इस मूवी में बहुत सारे
फालतू की चीज़ें दिखाई गई थी। जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि अक्षय कुमार के इसमें दादा मिथुन चक्रवर्ती बने हुए थे, जो कि इनके जब किक मारते हैं तो वह रॉकेट की तरह आसमान में उड़ते हैं, जो कि एक फालतू की चीज़ बताया कुछ लोगों ने रिव्यू में। और भी बहुत सारी चीज़ें कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि जब वह चाइनीज़ कुल्फू सीखते हैं तब वह सिर्फ मौन धारण करने पर बहुत सारा तूफान आ जाता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसमें बहुत सारी जो है काल्पनिक चीज़ें, यानी बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें दिखाई गई थी, जिसकी वजह लोग बताते हैं इस फिल्म के फ्लॉप होने की। फिल्म काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारे यानी बकवास चीज़ें इसमें बताई गई थी, कि बहुत सारी इसमें कहानी से ज़्यादा इसमें बकवास भरी हुई, ऐसा कहना है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म बकवास है या सही? यह कहानी थी सिंधु चौक, एक दुकान पर सब्जी काटने का काम करता है। वह जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखता है। एक दिन दो चाइनीज पर्यटक उसकी दुकान पर आते हैं। वह सिद्धु को उसके भगवान का रूप बताते हैं। इस बात का जड़ से पता लगाने के लिए वह चाइना जाता है। क्या सिद्धू किसी मुश्किल में पड़ जाएगा? तो दोस्तों ये थी चांदनी चौक टू चाइना की हमारी तरफ से छोटी सी जानकारी। आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। वह क्यों हटाते हैं ये बात करते हैं। जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वह जो है इस मूवी को यूट्यूब से हटवा देती हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये मूवी जो है अक्षय कुमार की ये फ्लॉप हो गई थी। ये 800 मिलियन डॉलर में बनाई गई थी और इसने कमाए थे सिर्फ 550 मिलियन डॉलर, और इसीलिए जो है सुपर फ्लॉप मूवी हुई थी। तो इसीलिए जो है जो कंपनियां इसको खरीदी थी मूवी को, वह जो है इसकी भरपाई के लिए अभी भी इसे पैसे लेकर ही दिखा रही हैं। तो आपको यह फुल मूवी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अपलोड करते हैं बहुत से लोग, किसी की तुरंत ही हटा दी जाती है, किसी की मूवी कहो तो एक घंटा तक चले, किसी की एक मिनट तक चले। तो अगर आपने एक दो बार यूट्यूब पर सर्च किया होगा इसे आपको नहीं मिली होगी, तो आपको दोबारा नहीं सर्च करना है, आपके खुद आपके सजेशन में आ जाएगी। और जैसे ही आ जाए आपको ऑनलाइन इसे नहीं देखना, तुरंत इसे डाउनलोडिंग पे लगा लेना है, क्योंकि ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं भाई कितनी देर में रिमूव हो जाए यानी हटा दी जाए यूट्यूब से। तो आपको उसे तुरंत डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको देखना, अगर बाई चांस आपको मिल जाए यूट्यूब पर तो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और इसकी स्टोरी क्या थी, बहुत सारे जो आपको काफी जो है आपको पसंद आएगा। तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक, ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस मूवी के जो निर्माता हुए हैं रोहन सिप्पी, निर्देशक है निखिल अडवाणी, संगीत है इसमें जो शंकर एहसान लायका, कलाकार इसमें अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणबीर सौर, गार्डन लिया, रिचर्ड युआन, मिथुन चक्रवर्ती। हॉलीवुड की फिल्म कंपनी वार्नर ब्रदर्स को रमेश सिप्पी, मुकेश तलरेजा, रोहन सिप्पी और निखिल अडवाणी ने मिलकर किस तरह चूना लगाया इसकी मिसाल है चांदनी चौक टू चाइना। हॉलीवुड कंपनियों के दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि बॉलीवुड की नाच गाने और ओट पटांग हरकतों वाली फिल्में बेहद पसंद की जाती हैं। इसी बात को आधार बनाकर सिप्पियों ने चांदनी चौक टू चाइना नामक फिल्म उन्हें टिका दी और अपनी जेबें भर ली। फिल्म के लेखक श्रीराम राघवन ने इसकी कहानी लिखने के लिए हॉलीवुड की फिल्में देखने की भी तकलीफ नहीं उठाई। उन्होंने अपने निर्माता रमेश सिप्पी की सीता और गीता शोले जैसी फिल्मों से ही कहानी निकाल ली ताकि कॉपीराइट का मामला भी ना हो। चांदनी चौक टू चाइना इतनी बेसिर पैर फिल्म है कि आश्चर्य होता है कि इस पर इतना पैसा क्यों खर्च किया गया। वार्नर ब्रदर्स ने इस कहानी में ऐसा क्या देखा कि वे इसमें भागीदार बन गए? शायद उन्होंने रमेश सिप्पी के पिछले रिकॉर्ड को देख पैसा लगाया होगा। 70 और 80 दशक की ज़्यादातर फिल्में मिलना बिछोड़ना खोया पाया डबल रोल यदाश्त का चले जाना और फिर लौट आना पुनर्जन्म बदला खलनायक का गांव के आतंक फैलाना जैसे फार्मूलों पर आधारित रहती थी। इन सब का घलमोल कर चांदनी चौक टू चाइना में परोसा गया है। ओम शांति ओम और टसन के बाद चांदनी चौक टू चाइना तीसरी ऐसी बड़ी फिल्म है जो उस दौर में बनने वाली फिल्मों पर आधारित है। चांदनी चौक में पराठे बेचने की दुकान में काम करने वाले सिद्धू यानी अक्षय कुमार के सपने बड़े बड़े हैं। वह अमीर बनना चाहता है लेकिन मेहनत पर उसका यकीन नहीं है। एक दिन दो चीनी उसके पास आते हैं और वह सिद्धू को एक मशहूर चीनी योद्धा का पुनर्जन्म मानते हैं। चपास्टिक यानी रणवीर शौरी नामक दुभाषिया सिद्धू को बेवकूफ बनाकर चीन पहुंचा देता है। चीन पहुंचकर सिद्धू को पता चलता है कि उसे होजो नामक आदमी से एक गांव को छुड़ाना है जो बेहद खतरनाक है। गांव के लोग सिद्धू को महान योद्धा मानते हैं लेकिन होजो के सामने सिद्धू के पुल खुल जाते हैं। जब होजो सिद्धू की खूब पिटाई करता है तो वह उसे मारने की कसम खाता है। एक कुंग फू मास्टर से वह
कुंफू सीखता है और अपना बदला लेता है। कहानी में सखी और म्याओ नामक दीपिका पादुकोण की दोहरी भूमिकाएं भी हैं। सखी और म्याओ जुड़वा बहनें हैं और बचपन में होजो की वजह से बिछड़ गई थी। होजो की वजह से उनकी माँ की मृत्यु हुई थी और उनके पिता की यथास्थ चली गई थी। सखी और म्याओ को होजो के बारे में पता चलता है तो वह भी उससे बदला लेना चाहती हैं। सिद्धू को कुंफू उनके पिता ही सिखाते हैं। सिद्धू कामयाब होता है और आखिर में पूरे परिवार का मिलन हो जाता है। पुरानी फिल्मों को देखकर भी नई कहानी ढंग से नहीं लिखी जा सकी। इस कहानी में ढेर सारे अगर मगर हैं, माना कि सिनेमा के नाम पर थोड़ी छूट ली जा सकती है, लेकिन इसकी भी सीमा होती है। फार्मूला या मनोरंजक फिल्म बनाने के नाम पर दर्शकों को बेवकूफ तो नहीं समझा जा सकता। मसाला इतना ही मत डालो कि हाजमा खराब हो जाए। निर्देशक निखिल अडवाणी का प्रस्तुतिकरण भी बेहद घटिया है। ऐसा लगा कि वह 70 और 80 के दशक में बनी फिल्मों का चांदनी चौक टू चाइना के जरिए मजाक उड़ा रहे हों। फिल्म की कहानी गंभीरता की मांग करती है, लेकिन उन्होंने इसे कॉमेडी के अंदाज में पेश किया, जिससे मामला चौपट हो गया। कॉमेडी का भूत उन पर ऐसा सवार था कि हर दृश्यों में उन्होंने कॉमेडी घुसेड़ दी, चाहे वो रोमांटिक दृश्य हो, भावुक दृश्य हो या एक्शन सीन हो। कॉमेडी के नाम पर हास्यास्पद दृश्य रचे गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जब अक्षय कुमार को लात जमाते हैं तो अक्षय रॉकेट की तरह आसमान में जाते हैं और धड़ाम से नीचे गिरते हैं। होजो के एक आदमी को अक्षय कुमार जोर जोर से घुमाने लगते हैं तो आंधी चलने लगती है और आसपास के लोग उड़ने लगते हैं। अक्षय और दीपिका जब एक बिल्डिंग से गिरते हैं तो दीपिका छाता खोल देती है तो पैराशूट का काम करता है। ऐसे एक दो दृश्य तो बर्दाश्त किए जा सकते हैं, लेकिन जब पूरी फिल्म ही ऐसी हो तो दर्शक चांदनी चौक टू चाइना बनाने वालों की अकल पर सिर्फ तरस खा सकते हैं। इन दृश्यों को लेकर भला कोई कैसे हंस सकता है? पैसा खर्च करने में भी अकल का इस्तेमाल होता है, लेकिन निखिल अडवाणी ने निर्माताओं का पैसा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलाम या इश्क जैसी डब्बा फिल्म बनाने के बाद एक और डब्बा फिल्म उन्होंने अपने नाम कर ली है। टशन हो या सिंह इज किंग या चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय का किरदार हर जगह एक जैसा नजर आता है, वही जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति का। उन्हें टाइप्स होने से बचना चाहिए। चांदनी चौक टू चाइना में उन्होंने दर्शकों को हंसाया, लेकिन अब दोहराव महसूस होने लगा है। उनकी क्षमताओं का पूरा दोहन निर्देशन नहीं कर पाए, खासकर स्टंट दृश्यों में अक्षय का और बेहतर उपयोग किया जा सकता था। फिल्मों के चयन के मामले में उन्हें सावधानी बरतना चाहिए। दीपिका पादुकोण खूबसूरत लगी और उन्होंने स्टंट दृश्य अच्छे से अभिनीत किए। गार्डन लियू ने खलनायकी के तेवर दिखाए। रिचर्ड युआन, मिथुन चक्रवर्ती और रणबीर सॉरी ठीक ठाक रहे हैं। संवादों के जरिए कुछ जगह हंसने का अवसर मिलता है। चीनी भाषा में भी ढेर सारे संवाद हैं, हालांकि उन्हें अंग्रेजी सबटाइटल के साथ दिखाया गया है, लेकिन हिंदी में उन्हें दिया जाता तो ज़्यादा दर्शकों का इसका लाभ मिलता। फिल्म का तकनीकी पक्ष सशक्त है। स्टंट दृश्य फोटोग्राफी पर बहुत मेहनत की गई है। संगीत निराशजनक है। हिट गानों का अभाव अखरता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चांदनी चौक टू चाइना में न चांदनी चौक के पराठों की महक है और न चाइना के नूडल्स का स्वाद। इस फिल्म को देखने में पैसा खर्च करने के बजाय नूडल्स खरीद कर खाना बेहतर है। ये दोस्तों हम बता रहे हैं वेब दुनिया के आधार पर। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, अगर आप सूर्यवंशी मूवी को अभी से यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं और आप आज की डेट में ही यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं भाई, आपसे बेवकूफ़ इंसान कोई इस दुनिया में नहीं है। भाई ये मूवी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये मूवी 25 सितंबर 2020 को रिलीज होगी। तो भाई अभी से आप क्यों इसे यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो? भाई ये पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, वहाँ पर कमाई करेगी, फिर ये यूट्यूब पर रिलीज होगी। भाई जो इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर बेवकूफ ने जो इतना रुपया लगाएंगे फिर डायरेक्ट इसे यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे यार, मतलब हाथ धोती यार तुम लोगों की बेवकूफियत की, मतलब कुछ भी यार। तो दोस्तों ये थी चलो मजाक की बात, लेकिन आप लोग सच में बेवकूफियत करते हो, मैंने आपको कुछ गलत कहा इसके लिए सॉरी। तो इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूर्यवंशी मूवी से रिलेटेड कुछ बेहतरीन जानकारी जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित आगामी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे रोहित शेट्टी और करण जौहर ने क्रमशः रोहित शेट्टी पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित किया है रिलायंस एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स के सहयोग से। यह शेट्टी की पुलिस यूनिवर्स की चौथी किस्त है और भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी पुलिस फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में है। अजय देवगन और रणबीर सिंह कैमियो करेंगे।
दोस्तों इसमें जो संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और तनिष्क बागची ने और गुरु रंधावा ने। दोस्तों ये रिलीज होगी 25 सितंबर 2020 को भारत में रिलीज होगी और हिंदी भाषा में। चलिए इसकी मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ। दोस्तों DCP वीर सूर्यवंशी के रूप में कुमार के चरित्र के अंत में घोषणा की गई थी कि सिम्बा सूर्यवंशी के एक चरित्र परिचय के रूप में कार्य किया है। कुमार आतंकवाद निरोधी दस्ते के प्रमुख की भूमिका में होंगे। यह फिल्म साजिद फरहाद द्वारा लिखी गई है और लेखकों मानव दास अनुराही और शिवांत तिवारी द्वारा सह पटकथा लिखी गई है। भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की वजह से 25 मार्च को रिलीज हो रही थी, पर अब दिवाली 2020 को रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आइए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से एक्टर ने काहे की भूमिका निभाई है। दोस्तों इसमें अक्षय कुमार बने हुए हैं वीर सूर्यवंशी और अदिति के रूप में कैटरीना कैफ जो कि वीर की पत्नी बनी हुई है, यानी कि अक्षय कुमार की पत्नी का रोल निभा रही है। रणबीर सिंह इसमें संग्राम सिम्बा भाले राव के रूप में है और अजय देवगन इसमें बाजीराव सिंघम के रूप में है। संगम सिंह इसमें राजू के रूप में है और उस्मानी के रूप में इसमें गुलशन ग्रोवर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभिमन्यु सिंह सिकंदर खेर भी इसमें है और नीना गुप्ता इसमें वीर की माँ यानी अक्षय कुमार की माँ के रूप में है और अमित कुमार मंडल इसमें कांस्टेबल अमित का रोल निभा रहे हैं। तो चलिए इसके निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों 5 मार्च 2019 जिस दिन फिल्म के दो पोस्टर आउट हुए, अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने घोषणा की उन्होंने ईद उल फितर के त्यौहार के साथ 22 मई 2020 को फिल्म को रिलीज करने की योजना बनाई थी। बाद में 12 जून 2019 को यह घोषणा की गई कि फिल्म रिलीज की तारीख 27 मार्च 2020 तक बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अब यह मूवी रिलीज होगी 25 सितंबर 2020 को। चलिए संगीत के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों फिल्म का संगीत तनिष्क बागची लीजो चार टीचे चेतन JM8 द्वारा दिया गया है, जिसके गीतकार रश्मि बिराग सबीर अहमद और तनिष्क बागची हैं। फिल्म मोहरा के गीत टिप टिप बरसा पानी को इस फिल्म के लिए पुनर्निर्मित किया गया है। रोहित शेट्टी ने फिल्म सिंघम और सिम्बा के द्वारा दो बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी हैं। इन दोनों फिल्मों में पुलिस ऑफिसर की भूमिका में अजय देवगन और रणवीर सिंह ने खूब वाहवाही लूटी है। अब इस फिल्म के तीसरे भाग में अक्षय कुमार की एंट्री हुई है। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। इसे साल 2020 की सबसे बहुपरिचित फिल्मों में शुमार किया जा चुका है। सिनेब्रिटीज की लेटेस्ट रिपोर्ट में फिल्म के टाइटल से जुड़ी दिलचस्प कहानी को बयां किया गया है। इस फिल्म के टाइटल को सूर्यवंशी के मेकर्स ने विजय गलानी से हासिल किया था। विजय की इस फिल्म में सलमान खान ने काम किया था। पहले विजय इस फिल्म के टाइटल को देने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन बोनी कपूर से बात होने के बाद उन्होंने इस राइट्स को रोहित शेट्टी को दे दिया। हालांकि टाइटल हासिल करने के बाद इस शीर्षक में बदलाव भी किए गए। यही कारण है कि इस शीर्षक के इंग्लिश की स्पेलिंग में यू की जगह डबल ओ को दो बार लगाया गया है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग शुरू हो गई थी। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ फिल्म ईद 2020 को पर्दे पर रिलीज होने वाले थे। खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही पहले पता चल गया कि फिल्म की कहानी सामने आ गई। सूर्यवंशी में अक्षय कुमार ATCS ऑफिसर की सूर्यवंशी के किरदार में नजर आएंगे, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। खास बात यह है कि सूर्यवंशी 19 के समय की कहानी होगी, जब देश में CCTV नहीं हुआ करते थे और ना ही सोशल मीडिया का रूप था। ऐसे वक्त में के रूप में रोहित शेट्टी ने इस बार कहानी में बुना है। ये पूरी फिल्म की कहानी सूर्यवंशी का सफर पर आधारित रहेगी। इसके सुकल में भी इसी कहानी को आगे बताया जा सकता है। इसमें दिखाया जाएगा कि बिना मॉडर्न तकनीक के उस वक्त पुलिस ऑफिसर किस तरह से वर्क करते थे। इस फिल्म के साथ रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार पहली बार साथ जुड़े हैं। इस फिल्म को साउथ रिमेक बताया जा रहा है। यह तमिल फिल्म तिरान अलीग्रम उर्दू का रिमेक वर्जन है, लेकिन रोहित शेट्टी ने इससे साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि एक ओरिजिनल फिल्म है, यह किसी भी फिल्म का रिमेक नहीं है। पहली बार साथ सूर्यवंशी के साथ अक्षय कुमार पहली बार रोहित शेट्टी के साथ काम करने वाले हैं। कैट और अक्षय की सुपरहिट जोड़ी भी फैंस को एक बार फिर से दीवाना करने वाली है। अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी की रिलीज डेट एक बार फिर बदल दी गई है। यह फिल्म 3 दिन पहले यानी 24 मार्च की शाम से सिनेमाघरों में देखी जा सकने वाली थी। खास बात यह है कि सूर्यवंशी ऐसी बॉलीवुड फिल्म भी होगी जिसे रिलीज के बाद मुंबई में 24 घंटे में कभी भी देखा जा सकेगा। अक्षय कुमार ने अकोस्टर ट्विटर पर एक वीडियो के जरिए जारी की थी। अक्षय ने वीडियो के कैप्शन में लिखा था कि अपराध का कोई समय नहीं है, आ रही पुलिस सूर्यवंशी दुनिया भर में 24 मार्च को रिलीज होगी। वीडियो में ऐलान किया गया है कि 24 मार्च से मुंबई के सभी सिनेमाघर 47x7 खुले रहेंगे।
गुड़ी पड़वा की छुट्टी को बनाने की कोशिश। 25 मार्च को गुड़ी पड़वा की छुट्टी है, इसी को ध्यान में रखते हुए टीम सूर्यवंशी ने फिल्म 24 मार्च की शाम को रिलीज करने का फैसला लिया था। गौरतलब यह सबसे पहले E20 पर इस फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म के साथ क्लैश से बचने के लिए इसे 2 महीने पहले 27 मार्च पर शिफ्ट कर दिया गया था। अब इसे इसमें भी 3 दिन पहले रिलीज किया जा रहा था। रोहित शेट्टी की क्रॉप ड्रामा। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी सूर्यवंशी उनके कॉप जानर की नई प्रस्तुति है। सिंघम यानी फ्रांची में अजय देवगन और सिम्बा में रणबीर सिंह को पुलिस ऑफिसर के रोल में पेश करने के बाद उन्होंने अब अक्षय कुमार पर दांव खोला है। सूर्यवंशी में अक्षय के अलावा अजय और रणबीर भी दिखाई देंगे। कैटरीना कैफ इस फिल्म में अक्षय के अपोजिट नजर आएंगी। पहली बार डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अक्षय कुमार के साथ अपनी एक्शन फिल्म सूर्यवंशी लेकर हाजिर हुए हैं और अब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका था। अक्षय कुमार वीर सूर्यवंशी के रोल में जबरदस्त एक्शन धमाका करते दिख रहे हैं। वैसे काफ़ी समय बाद अक्षय किसी एक्शन फिल्म में नजर आ रहे हैं और फैंस के लिए इसलिए भी यह ट्रीट से कम नहीं कहा जा रहा है। यह एक एक्शन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने की तैयारी में है। रोहित शेट्टी की इस पुलिस ड्रामा फिल्म का इंतजार लोगों को सिम्बा के समय से ही हो रहा था, क्योंकि उस फिल्म के अंत में ही सूर्यवंशी की झलक दिखला दी गई थी। तभी से फैंस अक्षय के इस पुलिसिया अवतार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस ट्रेलर को बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे लंबा ट्रेलर कहा जा रहा था, जो 4 मिनट 15 सेकंड का है। रोहित शेट्टी के अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी के ट्रेलर की शुरुआत मुंबई में साल 93 में बने बम धमाकों के साथ हुई है, जिसके बैकग्राउंड में अजय देवगन की आवाज है। इसके बाद 2002 बस ब्लास्ट, लास्ट 2006 में ट्रेन ब्लास्ट और इसके बाद साल 2008 में हुए धमाकों के विजुअल्स दिखाए गए हैं। 4 मिनट 15 सेकंड लंबा वक्त होता है और यह आपको ट्रेलर देखकर समझ आता है अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणबीर सिंह के फैंस के लिए यह फिल्म एक विजुअल ट्रीट होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी ट्रेलर इतना लंबा है कि आपको पूरी फिल्म ही समझ में आ जाती है। मसलन बड़ा हमला होने वाला है, 600 किलो RDX का पता लगाना है। रणबीर सिंह यानी सिम्बा की एंट्री पहले होगी और अंत में आएगा सिंघम, सूर्यवंशी की बच्ची भी है जिसकी जान जोखिम में है। फिल्म में जबरदस्त स्टार कास्ट है, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणबीर सिंह, कैटरीना कैफ। लेकिन इन सब के बीच इस 4 मिनट से बड़े ट्रेलर में जैकी श्रॉफ छाप छोड़ने में कामयाब होते हैं। उनके बोलने का अंदाज स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देता। रोहित शेट्टी ने डायलॉग्स पर काफ़ी मेहनत करवाई है, फिल्म को ग्रैंड बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि सूर्यवंशी इस साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी। फिल्म में जितना मसाला है उसे देखकर साफ जाहिर होता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाएगी। खास बात यह है कि आप चाहे सिंघम के फैन हो या सिम्बा के, सूर्यवंशी फिल्म में रोहित ने सभी का ख्याल रखा है। ट्रेलर में जिस तरह तीनों सुपरस्टार्स को जगह दी गई है और तीनों कैरेक्टर के बीच जैसा कनेक्ट रखा गया वह जबरदस्त है। दमदार एक्शन के बीच सिंघम को एंट्री को लेकर खास तौर पर ट्रीटमेंट दी गई है और यह मज़ेदार भी है। दोस्तों, इस फिल्म से पहले रोहित के काप यूनिवर्स सिंघम, सिंघम 2 और सिम्बा जैसी सुपरहिट फिल्में आ चुकी थी। पिछली बार सिम्बा में अजय देवगन ने अपने सिंघम अवतार एंट्री ली थी और अब इस बार सूर्यवंशी के क्लाइमैक्स सीन में अक्षय के साथ सिंघम और सिम्बा दोनों दिखाई देने वाले हैं। ट्रेलर लॉन्च पर रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ के अलावा करण जौहर, अजय देवगन और रणबीर सिंह भी नजर आएंगे। ट्रेलर से ठीक पहले मेकर्स ने इस फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया और अक्षय ने इसे शेयर करते हुए लिखा, क्या आप एक्शन से भरपूर सुपर कॉप कहानी के सामने आने के लिए तैयार हैं? पोस्टर पर लिखा है, आ रही है पुलिस। पॉपुलर फिल्म क्रिटिक्स तरण आदर्श ने ट्वीट कर कहा कि एक्सक्लूसिव सूर्यवंशी का ट्रेलर देखा, वाकई बेहतरीन है। सूर्यवंशी ने फिर यह साबित कर दिया कि रोहित शेट्टी मनोरंजन के निसंदेह बादशाह हैं। अक्षय कुमार के एक्शन को देखकर अच्छा लगा। बॉक्स ऑफिस पर सुनामी के लिए तैयार रहिए, यह बहुत बड़ी विनर साबित होने वाली है। बम धमाकों पर आधारित है फिल्म। फिल्म में अक्षय कुमार एंटी टेररिज्म स्क्वाड चीफ SCP वीर सूर्यवंशी का रोल निभा रहे हैं। फिल्म सूर्यवंशी 1993 बम धमाकों पर आधारित है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में संग्राम भालेराव सिम्बा के रोल में रणबीर सिंह और बाजीराव सिंघम के रूप में अजय देवगन भी दिखाई देंगे।
नहीं दिखेगी फिल्म में रानी मुखर्जी। ऐसे चर्चा सामने आ रही थी कि इस फिल्म में रानी मुखर्जी भी अपने मर्दानी अवतार में देख सकते हैं, लेकिन इस बार के मेकर्स ने इस बात से मेकर ने इनकार किया है। 27 की जगह 24 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। बता दें कि महाराष्ट्र में सिनेमाघरों में 2400 घंटे फिल्म दिखाए जाने की अनुमति देने के राज्य सरकार के फैसले के बाद रोहित शेट्टी ने सूर्यवंशी को पहले निर्धारित तारीख से ही दिन पहले 24 मार्च को ही रिलीज करने का निर्णय किया था। फिल्म को पहले 27 मार्च को रिलीज होने वाली थी। फिल्म में कई बड़े कलाकार, सूर्यवंशी में अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ और के अलावा गुलशन ग्रोवर, सिकंदर खेर, निकेतन धीर जैसे एक्टर्स भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म में अक्षय कुमार DCP वीर सूर्यवंशी के रोल में दिखेंगे और इसमें रणवीर सिंह और अजय देवगन का भी स्पेशल अपीयरेंस होगा। सूर्यवंशी इज एन अपकमिंग इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी एंड रिटन बाय यूसुफ सजवल। प्रोडक्शन बाय हीरो एस जोहर, अरुण भाटिया, अप्रूबा मेहता एंड रोहित शेट्टी। इट इज द फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ द शेट्टी प्लस यूनिवर्स एंड द फ्यूचर अक्षय कुमार एज द टिटुलर कैरेक्टर अपोजिट कैटरीना कैफ। द फिल्म को स्टार्स गुलशन ग्रोवर, मन्यू सिंह एंड राजा, जैकी श्रॉफ, शेखर खेर एंड निकेतन, विमल जावेद, जयप्री विल, अजय देवगन एंड रणवीर सिंह इज द reprise dear the singham and simba from the franchise's previous film. Directed by Rohit Shetty and music by Guru Randha, Himesh Resemia, and released at November 2020, category country India, language Hindi. Kumar character was the answer. There was the end of the Simba. The story character is the introduction of Surwansi. It is a playing DCP Surwansi and chief of the anti-terrorism squad. Principal photography is the film began the May 2019 and was the completed November 2019. It should be for the release on 24 March 2020. The film was the postponed due to the COVID-19 pressures. It is now scheduled the visited Diwali 2020. I talk about the premise. DCP Veer Surwansi is the chief of the Mumbai anti-terrorism squad and his team joined forces with the inspector Sangram Bhalerao and DCP Bajirao Singham to stop terrorism by the plotting to attack Mumbai. I talk about the production of this film. The film was announced December 2018. Through the post acquired the second the Shetty Plus Universe film The Simba on 5th March 2019. Film trailer and flash and then assured shared the first look posted the film. This is a Twitter announced unlike previous and interested that the franchise Surwansi is not based on any exciting work but it's the original story. Principal photography began the Mumbai on 6 May. The next shooting on the film took place the Bhagwar. The film is the climax since the start is hard October. The film was worked on 13 November. Now I talk about the soundtrack of this film. The song is composed by Tanish Bakshi, the DJ Carson, the JM Ed Wilson. Lyrics written by Rashmi Bragg, Sabir Ahmed and Tanishq Bakshi. Sukhender Singh is Bilbi is the song named the Chal Rahi Hai. The title song Tip Tip Barsha Pani from the film Mohra will be the researcher. Now I talk about the cast. Akshay Kumar as the audio officer DCP Veer Surwansi, Katrina Kaif as the director Adi Surwansi and Ajay Devgan as DCP Bajirao Singham, Ranbir Singh as the inspector Sangram Singham, Bhalerao Gulshan Grover as Usme and Abhimanyu Singh as the Vinod Tasper and Nitra Abhrasa as the Tera, Jaki Shraab Sikandar, Nikit Kirud, Vijay Kamut and Mirza and Rajesh Gupta, the lots of the actors acting in this film. तो दोस्तों ये थी चलो मजाक की बात, लेकिन आप लोग सच में बेवकूफियत करते हो, मैंने आपको कुछ गलत कहा इसके लिए सॉरी। तो इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूर्यवंशी मूवी से रिलेटेड कुछ बेहतरीन जानकारी जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित आगामी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी और करण जौहर ने क्रमशः रोहित शेट्टी पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित किया है रिलायंस एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स के सहयोग से। यह शेट्टी की पुलिस यूनिवर्स की चौथी किस्त है और भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी पुलिस फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में है, अजय देवगन और रणवीर सिंह कैमियो करेंगे। दोस्तों इसमें जो संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और तनिष्क बागची ने और गुरु रंधावा ने। दोस्तों रिलीज होगी 25 सितंबर 2020 को भारत में रिलीज होगी और हिंदी भाषा में। चलिए इसकी मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ। दोस्तों DCP वीर सूर्यवंशी के रूप में कुमार के चरित्र के अंत में घोषणा की गई थी कि सिम्बा सूर्यवंशी के एक चरित्र परिचय के रूप में कार्य किया है। कुमार आतंकवाद निरोधी दस्ते के प्रमुख की भूमिका में होंगे। यह फिल्म साजिद फरहाद द्वारा लिखी गई है और लेखकों
मानव दास अनुराही और शिवांत तिवारी द्वारा सह पटकथा लिखी गई है। भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की वजह से 25 मार्च को रिलीज हो रही थी, पर अब दिवाली 2020 को रिलीज होने वाली है। दोस्तों आइए मैं आपको जो है ये बता देता हूँ कि कौन से एक्टर ने काहे की भूमिका निभाई है। दोस्तों इसमें अक्षय कुमार बने हुए हैं वीर सोरावंशी और अदिति के रूप में कैटरीना कैफ जो कि वीर की पत्नी बनी हुई है, यानी कि अक्षय कुमार की पत्नी का रोल निभा रही हैं। रणबीर सिंह इसमें संग्राम सिम्बा भाले राव के रूप में हैं और अजय देवगन इसमें बाजीराव सिंघम के रूप में हैं। संगम सिंह इसमें राजू के रूप में हैं और उस्मानी के रूप में इसमें गुलशन ग्रोवर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभिमन्यु सिंह सिकंदर खेर भी इसमें हैं और नीना गुप्ता इसमें वीर की माँ यानी अक्षय कुमार की माँ के रूप में हैं और अमित कुमार मंडल इसमें कांस्टेबल अमित का रोल निभा रहे हैं। तो चलिए इसके निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों 5 मार्च 2019 जिस दिन फिल्म के दो पोस्टर आउट हुए, अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने घोषणा की उन्होंने ईद उल फितर के त्यौहार के साथ 22 मई 2020 को फिल्म को रिलीज करने की योजना बनाई थी। बाद में 12 जून 2019 को यह घोषणा की गई कि फिल्म रिलीज की तारीख 27 मार्च 2020 तक बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अब यह मूवी रिलीज होगी 25 सितंबर 2020 को। चलिए संगीत के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों फिल्म का संगीत तनिष्क बागची लिजो चार्ज टीचे चेतन जे एम एट द्वारा दिया गया है, जिसके गीतकार रस्म बिराग सब्बीर अहमद और तनिष्क बागची हैं। फिल्म मोहरा के गीत टिप टिप बरसा पानी को इस फिल्म के लिए पुनर्निर्मित किया गया है। रोहित शेट्टी ने फिल्म सिंघम और सिम्बा के द्वारा दो बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी हैं। इन दोनों फिल्मों में पुलिस ऑफिसर की भूमिका में अजय देवगन और रणबीर सिंह ने खूब वाहवाही लूटी है। अब इस फिल्म के तीसरे भाग में अक्षय कुमार की एंट्री हुई है। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। इस साल 2020 की सबसे बहुपरिचित फिल्मों में शुमार किया जा चुका है। सिनेब्रिटिस की लेटेस्ट रिपोर्ट में फिल्म के टाइटल से जुड़ी दिलचस्प कहानी को बयां किया गया है। इस फिल्म के टाइटल को सूर्यवंशी के मेकर्स ने विजय गलानी से हासिल किया था। विजय की इस फिल्म में सलमान खान ने काम किया था। पहले विजय इस फिल्म के टाइटल को देने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन बोनी कपूर से बात होने के बाद उन्होंने इस राइट्स को रोहित शेट्टी को दे दिया। हालांकि टाइटल हासिल करने के बाद इस शीर्षक में बदलाव भी किए गए। यही कारण है कि इस शीर्षक के इंग्लिश की स्पेलिंग में यू की जगह डबल ओ को दो बार लगाया गया है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग शुरू हो गई थी। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ फिल्म ईद 2020 को पर्दे पर रिलीज होने वाले थे। खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही पहले पता चल गया कि फिल्म की कहानी सामने आ गई। सूर्यवंशी में अक्षय कुमार ATCS ऑफिसर की सूर्यवंशी के किरदार में नजर आएंगे, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। खास बात यह है कि सूर्यवंशी 19 के समय की कहानी होगी, जब देश में CCTV नहीं हुआ करते थे और ना ही सोशल मीडिया का रूप था। ऐसे वक्त में के रूप में रोहित शेट्टी ने इस बार कहानी में बुना है। ये पूरी फिल्म की कहानी सूर्यवंशी का सफर पर आधारित रहेगी। इसके सुकल में भी इसी कहानी को आगे बताया जा सकता है। इसमें दिखाया जाएगा कि बिना मॉडर्न तकनीक के उस वक्त पुलिस ऑफिसर किस तरह से वर्क करते थे। इस फिल्म के साथ रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार पहली बार साथ जुड़े हैं। इस फिल्म को साउथ रिमेक बताया जा रहा है। यह तमिल फिल्म डार तिरान अलीग्रम उर्दू का रिमेक वर्जन है, लेकिन रोहित शेट्टी ने इससे साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि एक ओरिजिनल फिल्म है, यह किसी भी फिल्म का रिमेक नहीं है। पहली बार साथ सूर्यवंशी के साथ अक्षय कुमार पहली बार रोहित शेट्टी के साथ काम करने वाले हैं। कैट और अक्षय की सुपरहिट जोड़ी भी फैंस को एक बार फिर से दीवाना करने वाली है। अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी की रिलीज डेट एक बार फिर बदल दी गई है। यह फिल्म 3 दिन पहले यानी 24 मार्च की शाम से सिनेमाघरों में देखी जा सकने वाली थी। खास बात यह है कि सूर्यवंशी ऐसी बॉलीवुड फिल्म भी होगी जिसे रिलीज के बाद मुंबई में 24 घंटे में कभी भी देखा जा सकेगा। अक्षय कुमार ने पोस्टर ट्विटर पर एक वीडियो के जरिए जारी किए थे। अक्षय ने वीडियो के कैप्शन में लिखा था कि अपराध का कोई समय नहीं है, आ रही पुलिस सूर्यवंशी दुनिया भर में 24 मार्च को रिलीज होगी। वीडियो में ऐलान किया गया है कि 24 मार्च से मुंबई के सभी सिनेमाघर 47x7 खुले रहेंगे। गुड़ी पड़वा की छुट्टी को बनाने की कोशिश।
25 मार्च को गुड़ी पड़वा की छुट्टी है, इसी को ध्यान में रखते हुए टीम सूर्यवंशी ने फिल्म 26 मार्च की शाम को रिलीज करने का फैसला लिया था। गौरतलब यह सबसे पहले E20 पर इस फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म के साथ क्लैश से बचने के लिए इसे 2 महीने पहले 27 मार्च पर शिफ्ट कर दिया गया था। अब इसे इसमें भी 3 दिन पहले रिलीज किया जा रहा था। रोहित शेट्टी की क्रॉप ड्रामा। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी सूर्यवंशी उनके कॉप जानर की नई प्रस्तुति है। सिंघम यानी फ्रांची में अजय देवगन और सिम्बा में रणबीर सिंह को पुलिस ऑफिसर के रोल में पेश करने के बाद उन्होंने अब अक्षय कुमार पर दांव खोला है। सूर्यवंशी में हेलो दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना एक ऐसी मूवी थी जो कि भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई थी। ये किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये मूवी फ्लॉप होगी। ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और है भी इंटरेस्टिंग। एक इंटरव्यू में जब दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि आपके लाइफ की सबसे ख़राब फिल्म कौन सी है, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए और बिना देरी किए चांदनी चौक टू चाइना का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ना जाने ये फिल्म क्यों कर ली, मेरे मन में क्या चल रहा था, ये मेरे ज़िंदगी की सबसे बेकार फिल्म है जो इतनी बुरी तरह से पिटी हुई थी। यह फिल्म जो है बनी थी 62 करोड़ रुपए में और इसकी भारत में कमाई हुई थी 23 करोड़ और दुनिया भर की कमाई हुई थी 56 करोड़। तो जहां पर इसकी बजट था 62 करोड़, वहां पर दुनिया भर यानी ग्रोस कलेक्शन में भी मात्र 56 करोड़ का बिजनेस कर पाई थी, यानी अपना लागत भी नहीं निकाल पाई थी। ये फिल्म कॉमेडी और फैंटास्टिक एक्शन पर आधारित है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है रिव्यू में कि इस मूवी में बहुत सारे फालतू की चीज़ें दिखाई गई थी, जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि अक्षय कुमार के इसमें दादा मिथुन चक्रवर्ती बने हुए थे, जो कि इनके जब किक मारते हैं तो वे रॉकेट की तरह आसमान में उड़ते हैं, जो कि एक फालतू की चीज़ बताया कुछ लोगों ने रिव्यू में। और भी बहुत सारी चीज़ें कही उन्होंने कहा कि जब वह चाइनीज़ कुल्फू सीखते हैं तब वह सिर्फ मौन धारण करने पर बहुत सारा तूफान आ जाता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसमें बहुत सारी जो है काल्पनिक चीज़ें यानी बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें दिखाई गई थी, जिसकी वजह लोग बताते हैं इस फिल्म के फ्लॉप होने की। फिल्म काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारे यानी बकवास चीज़ें इसमें बताई गई थी कि बहुत सारी इसमें कहानी से ज़्यादा इसमें बकवास भरी हुई, ऐसा कहना है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म बकवास है या सही? ये कहानी थी सिंधु चौक एक दुकान पर सब्जी काटने का काम करता है, वह जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखता है। एक दिन 2 चाइनीज पर्यटक उसकी दुकान पर आते हैं, वह सिद्धू को उसके भगवान का रूप बताते हैं। इस बात का जड़ से पता लगाने के लिए वह चाइना जाता है, क्या सिद्धू किसी मुश्किल में पड़ जाएगा? तो दोस्तों ये थी चांदनी चौक टू चाइना की हमारी तरफ से छोटी सी जानकारी। आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, अगर आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। वह क्यों हटाते हैं ये बात करते हैं। जो कंपनियां इस मूवी की मालिक हैं वह जो है इस मूवी को यूट्यूब से हटवा देती हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये मूवी जो है अक्षय कुमार की ये फ्लॉप हो गई थी। ये $800 मिलियन में बनाई गई थी और इसने कमाए थे सिर्फ $550 मिलियन और इसीलिए जो है सुपर फ्लॉप मूवी हुई थी। तो इसीलिए जो है जो कंपनियां इसको खरीदी थी मूवी को वह जो है इसकी भरपाई के लिए अभी भी इसे पैसे लेकर ही दिखा रही हैं। तो आपको यह फुल मूवी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अपलोड करते हैं बहुत से लोग, किसी की तुरंत ही हटा दी जाती है, किसी की मूवी कहो तो 1 घंटा तक चले, किसी की 1 मिनट तक चले। तो अगर आपने 1-2 बार यूट्यूब पर सर्च किया होगा इसे आपको नहीं मिली होगी तो आपको दोबारा नहीं सर्च करना है, आपके खुद आपके सजेशन में आ जाएगी। और जैसे ही आ जाए आपको ऑनलाइन इसे नहीं देखना, तुरंत इसे डाउनलोडिंग पे लगा लेना है, क्योंकि ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं भाई कितनी देर में रिमूव हो जाए यानी हटा दी जाए यूट्यूब से। तो आपको उसे तुरंत डाउनलोड कर लेना है फिर आपको देखना, अगर बाई चांस आपको मिल जाए यूट्यूब पर तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और इसकी स्टोरी क्या थी, बहुत सारे जो आपको काफ़ी जो है आपको पसंद आएगा। तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक, ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस मूवी के जो निर्माता हुए हैं रोहन सिप्पी, निर्देशक है निखिल अडवाणी, संगीत है इसमें जो शंकर एहसान लायका, कलाकार इसमें अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणबीर सौर, गार्डन लिया, रिचर्ड युआन, मिथुन चक्रवर्ती। हॉलीवुड की फिल्म कंपनी वार्नर ब्रदर्स को रमेश सिप्पी, मुकेश
तलरेजा, रोहन सिप्पी और निखिल अडवाणी ने मिलकर किस तरह चूना लगाया इसकी मिसाल है चांदनी चौक टू चाइना। हॉलीवुड कंपनियों के दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि बॉलीवुड की नाच गाने और ओट पटांग हरकतों वाली फिल्में बेहद पसंद की जाती हैं। इसी बात को आधार बनाकर सिप्पियों ने चांदनी चौक टू चाइना नामक फिल्म उन्हें टिका दी और अपनी जेबें भर ली। फिल्म के लेखक श्रीराम राघवन ने इसकी कहानी लिखने के लिए हॉलीवुड की फिल्में देखने की भी तकलीफ नहीं उठाई। उन्होंने अपने निर्माता रमेश सिप्पी की सीता और गीता शोले जैसी फिल्मों से ही कहानी निकाल ली ताकि कॉपीराइट का मामला भी ना हो। चांदनी चौक टू चाइना इतनी बेसिर पैर फिल्म है कि आश्चर्य होता है कि इस पर इतना पैसा क्यों खर्च किया गया। वार्नर ब्रदर्स ने इस कहानी में ऐसा क्या देखा कि वे इसमें भागीदार बन गए? शायद उन्होंने रमेश सिप्पी के पिछले रिकॉर्ड को देख पैसा लगाया होगा। 70 और 80 दशक की ज़्यादातर फिल्में मिलना, बिछोड़ना, खोया पाया, डबल रोल, यथास्थ का चले जाना और फिर लौट आना, पुनर्जन्म, बदला, खलनायक का गांव के आतंक फैलाना जैसे फार्मूलों पर आधारित रहती थी। इन सब का घलमोल कर चांदनी चौक टू चाइना में परोसा गया है। ओम शांति ओम और टसन के बाद चांदनी चौक टू चाइना तीसरी ऐसी बड़ी फिल्म है जो उस दौर में बनने वाली फिल्मों पर आधारित है। चांदनी चौक में पराठे बेचने की दुकान में काम करने वाले सिद्धू यानी अक्षय कुमार के सपने बड़े बड़े हैं। वह अमीर बनना चाहता है लेकिन मेहनत पर उसका यकीन नहीं है। एक दिन दो चीनी उसके पास आते हैं और वह सिद्धू को एक मशहूर चीनी योद्धा का पुनर्जन्म मानते हैं। चपास्टिक यानी रणवीर शौरी नामक दुभाषिया सिद्धू को बेवकूफ बनाकर चीन पहुंचा देता है। चीन पहुंचकर सिद्धू को पता चलता है कि उसे होजो नामक आदमी से एक गांव को छुड़ाना है जो बेहद खतरनाक है। गांव के लोग सिद्धू को महान योद्धा मानते हैं लेकिन होजो के सामने सिद्धू के पुल खुल जाते हैं। जब होजो सिद्धू की खूब पिटाई करता है तो वह उसे मारने की कसम खाता है। एक कुंगफू मास्टर से वह कुंगफू सीखता है और अपना बदला लेता है। कहानी में सखी और म्याओ नामक दीपिका पादुकोण की दोहरी भूमिकाएं भी हैं। सखी और म्याओ जुड़वा बहनें हैं और बचपन में होजो की वजह से बिछड़ गई थी। होजो की वजह से उनकी मां की मृत्यु हुई थी और उनके पिता की यथास्थ चली गई थी। सखी और म्याओ को होजो के बारे में पता चलता है तो वह भी उससे बदला लेना चाहती हैं। सिद्धू को कुंफू उनके पिता ही सिखाते हैं। सिद्धू कामयाब होता है और आखिर में पूरे परिवार का मिलन हो जाता है। पुरानी फिल्मों को देखकर भी नई कहानी ढंग से नहीं लिखी जा सकी। इस कहानी में ढेर सारे अगर मगर हैं, माना कि सिनेमा के नाम पर थोड़ी छूट ली जा सकती है लेकिन इसकी भी सीमा होती है। फार्मूला या मनोरंजक फिल्म बनाने के नाम पर दर्शकों को बेवकूफ तो नहीं समझा जा सकता। मसाला इतना ही मत डालो कि हाजमा खराब हो जाए। निर्देशक निखिल अडवाणी का प्रस्तुतिकरण भी बेहद घटिया है। ऐसा लगा कि वह 70 और 80 के दशक में बनी फिल्मों का चांदनी चौक टू चाइना के जरिए मजाक उड़ा रहे हों। फिल्म की कहानी गंभीरता की मांग करती है लेकिन उन्होंने इसे कॉमेडी के अंदाज में पेश किया जिससे मामला चौपट हो गया। कॉमेडी का भूत उन पर ऐसा सवार था कि हर दृश्यों में उन्होंने कॉमेडी घुसेड़ दी, चाहे वो रोमांटिक दृश्य हो, भावुक दृश्य हो या एक्शन सीन हो। कॉमेडी के नाम पर हास्यास्पद दृश्य रचे गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जब अक्षय कुमार को लात जमाते हैं तो अक्षय रॉकेट की तरह आसमान में जाते हैं और धड़ाम से नीचे गिरते हैं। होजो के एक आदमी को अक्षय कुमार जोर जोर से घुमाने लगते हैं तो आंधी चलने लगती है और आसपास के लोग उड़ने लगते हैं। अक्षय और दीपिका जब एक बिल्डिंग से गिरते हैं तो दीपिका छाता खोल देती है तो पैराशूट का काम करता है। ऐसे एक दो दृश्य तो बर्दाश्त किए जा सकते हैं लेकिन जब पूरी फिल्म ही ऐसी हो तो दर्शक चांदनी चौक टू चाइना बनाने वालों की अकल पर सिर्फ तरस खा सकते हैं। इन दृश्यों को लेकर भला कोई कैसे हंस सकता है? पैसा खर्च करने में भी अकल का इस्तेमाल होता है लेकिन निखिल अडवाणी ने निर्माताओं का पैसा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलाम या इश्क जैसी डब्बा फिल्म बनाने के बाद एक और डब्बा फिल्म उन्होंने अपने नाम कर ली है। टसन हो या सिंह इज किंग या चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय का किरदार हर जगह एक जैसा नजर आता है, वही जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति का। उन्हें टाइप्स होने से बचना चाहिए। चांदनी चौक टू चाइना में उन्होंने दर्शकों को हंसाया लेकिन अब दोहराव महसूस होने लगा है। उनकी क्षमताओं का पूरा दोहन निर्देशन नहीं कर पाए, खासकर स्टंट दृश्यों में अक्षय का और बेहतर उपयोग किया जा सकता था। फिल्मों के चयन के मामले में उन्हें सावधानी बरतना चाहिए। दीपिका पादुकोण खूबसूरत लगी और उन्होंने स्टंट दृश्य अच्छे से अभिनीत किए। गार्डन लियू ने खलनायकी के तेवर दिखाए। रिचर्ड युआन, मिथुन चक्रवर्ती और रणबीर शौरी ठीक ठाक रहे हैं।
संवादों के जरिए कुछ जगह हंसने का अवसर मिलता है। चीनी भाषा में भी ढेर सारे संवाद हैं, हालांकि उन्हें अंग्रेजी सबटाइटल के साथ दिखाया गया है, लेकिन हिंदी में उन्हें दिया जाता तो ज़्यादा दर्शकों का इसका लाभ मिलता। फिल्म का तकनीकी पक्ष सशक्त है, स्टंट दृश्य फोटोग्राफी पर बहुत मेहनत की गई है, संगीत निराशजनक है, हिट गानों का अभाव अखरता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चांदनी चौक टू चाइना में न चांदनी चौक के पराठों की महक है और न चाइना के नूडल्स का स्वाद। इस फिल्म को देखने में पैसा खर्च करने के बजाय नूडल्स खरीद कर खाना बेहतर है। ये दोस्तों हम बता रहे हैं वेब दुनिया के आधार पर। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, अगर आप बेबी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये यूट्यूब पर जैसे ही अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और उसके चैनल को भी डिलीट कर देते हैं। आइए जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों, जो कंपनियाँ इस मूवी की मालिक हैं वो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं। दोस्तों, वह कंपनियाँ अब भी अपने साइट पर पैसे लेकर दिखा रही हैं इस मूवी को, और लोग इस मूवी को पैसे देकर देख भी रहे हैं। तो जब तक लोग इस मूवी को पैसे देंगे तब तक कोई फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। भाई कोई भी हो, जब तक पैसा आ रहा है तो फ्री में क्यों देगा, कोई नहीं देगा। तो यही रीज़न है कि ये यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्टोरी, बहुत ही अच्छे रोचक तथ्य मैं इस वीडियो में बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो ज़रूर देखें वीडियो अगर आप मूवी को देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेबी एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म है जिसे नीरज पांडे निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म 23 फरवरी 2015 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। इसके निर्देशक हैं नीरज पांडे, निर्माता हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, शीतल भाटिया, अभिनेता हैं अक्षय कुमार, संपादक हैं श्री नारायण सिंह। ये रिलीज हुई थी 23 जनवरी 2015 को इंडिया में। 159 मिनट की मूवी थी, भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी और लागत थी इसकी 58 करोड़ रुपये और कुल कारोबार यानी कुल कमाई हुई थी 62 करोड़ रुपये। तो चलिए अब जानते हैं कहानी को। बेबी नाम के गुप्त एजेंटों की इकाई है जो कि भारत सरकार के लिए काम करती है। फिरोज अली खान इस इकाई की अगुवाई करते हैं। अजय सिंह राजपूत एक गुप्त सुरक्षा इकाई में कार्य करता है, वह अपने दल का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है। जय सिंह प्रिया सूर्यवंशी एवं शुक्ला दल के साथी हैं। इनका काम देश के आतंकवादियों को ख़त्म करना है। अजय को एक दिन राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा का पता चलता है। आतंकवादी मास्टरमाइंड मौलाना रशीद नाज भारत में सीमा पार से आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा है, लेकिन बेबी टीम को पहले ही इस साजिश के बारे में पता लग जाता है और वह उसे निपटने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं और अंत में उनकी विजय होती है और कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इसकी शॉर्ट स्टोरी। हम अभी आगे इसकी लॉन्ग स्टोरी के बारे में बात करेंगे, इससे पहले कुछ और भी इस मूवी के बारे में जान लेते हैं। इसमें कलाकार हैं अक्षय कुमार जो कि अजय सिंह राजपूत का रोल निभा रहे हैं, डैनी डेंजो कप्पा जो कि फिरोज अली खान का रोल निभा रहे हैं, अनुपम खेर ओम प्रकाश शुक्ला का रोल निभा रहे हैं, राणा डगबट्टी जय सिंह अटाठोर का रोल निभा रहे हैं, तापसी पन्नू प्रिय सूर्यवंशी का रोल निभा रहे हैं, के मेनन बिलाल खान का रोल निभा रहे हैं, इसी तरह और भी कुछ हैं। तो चलिए अब इसके निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। इसका निर्माण 4 सितंबर 2014 से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। यहाँ कई भाग गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में बनाया गया। फिल्म का दूसरा चरण नेपाल में संपन्न हुआ था। चलिए अब बात करते हैं सॉन्ग के बारे में यानी इसके म्यूजिक के बारे में। इस फिल्म के गाने को मनोज मुंतशिर ने लिखा है। पहला गाना था बेपरवाह जिसके गीतकार थे मनोज सुतंशिर, इसके गायक थे मीट ब्रोस, अंजन, अपेक्षा डंडेकर और इस गाने की जो समय था इस गाने का वो था 5 मिनट 13 सेकंड। दूसरा गाना था मैं तुमसे प्यार नहीं करता जिसके गीतकार थे मनोज मुंतशिर, इसके गायक थे पापोन, ये गाना 4 मिनट 13 सेकंड का था। फिर तीसरा गाना था बेपरवाह MBS स्वाग, इसके गीतकार थे मनोज मुंतशिर और गायक थे इसके मीट ब्रोज अनजान एअर्ल एगर, ये गाना 4 मिनट 22 सेकंड का था। चौथा गाना था मैं तुझे प्यार नहीं करती जो कि फीमेल में था जिसके गायक थे मनोज मुंतशिर और इसके गीतकार थे मनोज मुंतशिर, इसके गायक थे राम्या बेहरा, यह गाना 3 मिनट 50 सेकंड का था। इसी तरह कुल जो साउंड ट्रैक था वो था 17 मिनट 38 सेकंड का पूरा साउंड ट्रैक था। अक्षय कुमार ने अपने फिल्म की प्रथम छवि फेसबुक के माध्यम से 25 अगस्त 2014 को रिलीज की थी। इस फिल्म का कुछ भाग 20 नवंबर को दिखाया गया था और आधिकारिक रूप से इसका पूर्वलोकन 3 दिसंबर 2014 को प्रदर्शित किया गया था। देश को आतंकवादियों की ऐसी नई कमियां मिलती रहती हैं जिनसे आम आदमी अनजान रहता है। इन धमकियों से सरकार अपने तरीके से निपटती है। आम आदमी जहां अपनी रोज जरा
समस्याओं से जूझता रहता है, लेकिन इस बात से बेखबर रहता है कि उसकी रक्षा के लिए यूनिफॉर्म पहने कुछ महिलाएं और पुरुष देश के लिए खतरा बनती चुनौती से निपटते रहते हैं, ताकि आम आदमी चैन की नींद सो सके। अजय सिंह राजपूत यानी अक्षय कुमार एक होनहार अफसर है और उसे कवर्ट काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के लिए चुना गया है। एक आतंकी की धमकी से निपटने लगा अजय यह पता करने में कामयाब होता है कि आने वाले दिनों में देश के लिए आतंकवादियों ने खतरनाक योजना बना रखी है। एक ऐसा प्लान जिससे बहुत नुकसान के अलावा देशवासियों के दिल में खौफ पैदा करना उनका मकसद है। यह योजना एक खतरनाक आतंकवादी के दिमाग की उपज है जो पूरी दुनिया में दहशत फैलाना चाहता है। इस प्लान को नाकाम करने के लिए बहुत ही कम समय है। अजय और उसकी टीम अपने मिशन पर जुट जाती है। यह ऑपरेशन काठमांडू, इस्तांबुल और धामी दिल्ली और मुंबई में चलता है। पूरी टीम का मिशन है कि तब तक चैन की सांस नहीं लेना है जब तक मास्टरमाइंड आतंकी के प्लान को असफल नहीं कर लिया जाता है। क्या मौलाना रहमान और उसके साथियों के भारत में आतंक फैलाने के खतरनाक इरादे कामयाब हो पाएंगे? क्या भारतीय सरकार इस मिशन में पूरी तरह आज का साथ देगी? क्या अजय और उसके साथी खतरनाक आतंकवादियों से निपट पाएंगे? ये सब अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसमें कोई शक नहीं कि नीरज पांडे एक अच्छे डायरेक्टर हैं। वे अच्छी कहानियां चुनते हैं, एक्टरों से अच्छा काम लेते हैं और कहानी तथा एडिटिंग को काफ़ी सदा हुआ रखते हैं। इन सारी बातों के दर्शन बेबी में भी हो जाते हैं। कहानी टाइट है, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, लेकिन नीरज पांडे फिल्म में अपना फोकस खाते नहीं हैं और ऐसा ही पूरी फिल्म में भी नज़र आता है। जहां हर किरदार अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, कहानी रफ्तार से चलती है, लेकिन फिल्म में डी डे और हॉलीडे जैसी फिल्मों की झलक मिलती है। कुछ निंदा अफसरों का 5 साल का बेबी नाम का मिशन है। इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य के दुश्मनों को नेस्ता नबूद करना है। इनके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। इसी तरह एक अधिकारी है अक्षय कुमार, उसे आतंकवादी के मेनन को ठिकाने लगाना है ताकि देश के सुरक्षित किया जा सके। कहानी में तापसी पन्नू, राणा डगुबत्ती और अनुकम खेर जैसे कैरेक्टर आते जाते रहते हैं। हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे फैक्टरों के लिए ज़्यादा समय नहीं है। सीन काफ़ी लंबे है, कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है, लेकिन चौंकाने वाले कई पल हैं। फिल्म का डायरेक्शन और नीरज का ट्रीटमेंट फिल्म का USP है। नीरज पांडे की फिल्मों में कोशिश कहानी को ऊपर रखने की होती है। बेबी भी ऐसी फिल्म है। अक्षय कुमार का चयन एकदम सही है। वह भागते और एक्शन करते हैं तो लगता है कि वह बंदा ऐसा कर सकता है। वैसे भी वह नीरज के साथ स्पेशल 26 जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं। फिल्म में डैनी बढ़िया लगे हैं। वैसे डायरेक्टर के किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका नहीं दिया है, उसका पूरा फोकस अक्षय कुमार पर ही रहा है। तापसी पन्नू को थोड़ा और देखने का मन करता है, वह एक्शन करती हैं, मजा आता। अनुकम खेर भी ओके हैं, राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम दिखे हैं। यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा थी। फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी यह फिल्म खास है, क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में दिखेंगे। एकदम गंभीर वाले फिल्म में उनकी छाप कहीं नज़र नहीं आती है। पूरा स्टाइल नीरज का है। फिल्म को लेकर वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी काम करेगा। इससे 4 दिन का वीकेंड मिल रहा है। फिर कहानी में तेजी, कमाल की एडिटिंग और देशभक्ति की भावना इस हफ्ते के अनुकूल भी थी। उस हफ्ते डाली की डोली रिलीज हुई थी और फिल्म पूरी तरह अलग तेवरों की थी, तो बेबी को दर्शक मिलने में ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं थी। फिल्म काफ़ी बड़े बजट की थी, इसलिए वीकेंड इसके लिए काफ़ी अहम रहा था। देश है तो लोग हैं, लोग हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस है। पुलिस का सबसे बड़ा शत्रु आतंकवाद, और आतंकवाद से निपटने के लिए अलग अलग तरीके भी हैं। हॉलीवुड में इन तरीकों को फिल्मी पर्दे पर उकेरने के कई प्रयास किए गए। वेडनेसडे और स्पेशल 26 जैसी बेहतरीन फिल्मों के बाद डायरेक्टर नीरज पांडे ने भी इस और एक अनूठी कोशिश की है और नाम दिया है बेबी। यह फिल्म देश के जाबाजों की कहानी है। इसमें सीक्रेट मिशन है, एक्शन है, आतंकवादियों का जुनून है, नफरत और नापाक साजिश है, भरी भरकम डायलॉग हैं तो बीच बीच में हंसी की फुहारें भी हैं। फिल्म में अक्षय कुमार ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एक जाबाज सिपाही बने हैं जो डैनी के अंडर में काम करते हैं।
वह ऐसे सिपाही है जो घर में बीबी और दो बच्चों के होने के बावजूद किसी भी मिशन के लिए 24/7 तैयार रहते हैं। फिल्म की कहानी में आतंकवाद को बढ़ते सुनामी को रोकने के लिए एक के बाद एक कड़ियों को सुलझाने का सिलसिला चलता रहता है। फिर आखिरी में एक मिशन के लिए 3 अफसरों अक्षय कुमार, राणा डगुबाती और अनुपम खेर को चुना जाता है। सभी सऊदी अरब के लिए रवाना होते हैं और मिशन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसी मिशन का नाम है बेबी। ले बात करते हैं आप ये फिल्म क्यों देखें। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म में अक्षय कुमार ने अपने फिल्मी करियर के अभी तक सर्वश्रेष्ठ किरदार में है। नेगेटिव रोल में के मेनन हो या बिलाल, ऐसा मालूम पड़ता है कि यह उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाता। इसके अलावा सुशांत सिंह जावेद और 2007 में रिलीज फिल्म खुदा के लिए के जरिए दमदार दस्तक देने वाले पाकिस्तानी एक्टर राशिद नाज सभी ने अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया है। फिल्म की एडिटिंग चुस्त है, एक भी गैर जरूरी सॉन्ग नहीं, बेवजह रिझाने के लिए कोई बोल्ड सीन नहीं। पर्दे पर जो भी होता है सब शुरू से अंत तक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एजेंट के रूप में तापसी पन्नू ने भी बेहतरीन अभिनय किया है। चलिए बात करते हैं कि क्यों ना देखें। फिल्म में कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो शायद आपको तर्कहीन लग सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसी फिल्मों में कड़ियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिल्म 2 घंटे 39 मिनट की है और नीरज ने दर्शकों को कुर्सी से बांधने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। बेबी इज ए 2015 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे। द फिल्म स्टार अक्षय कुमार एंड द लीड रोल अलोंग विद द तापसी पन्नू, राणा दगुबाती, डेनी डेंजगोका, अनुपम खेर, मिल्का जुल्फिकर, के मेनन एंड मधुर मातुली एंड रेशद नाज इज सपोर्टिंग रोल्स मेड इन बजट ऑफ 58.3 मिलियन US डॉलर। द फिल्म रिलीज ऑन 23 January 2015 टू जनरली पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम क्रिटिक्स हु पार्टिकुलरली प्रेशर टू द डायरेक्शन एंड कुमार परफॉर्मेंस। डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे, प्रोड्यूसर्ड बाय भूषण कुमार, अर्घा भारती, शीतल भाटिया, कृष्ण कुमार, रिटन बाय नीरज पांडे, स्टारिंग अक्षय कुमार, डैनी डेंजोंगपा, राणा दगुबाती, तापसी पन्नू, के मेनन, सुशांत सिंह, माधुरी तुली, मिल्का जुल्फर, मुरली शर्मा एंड रशीद नाज, अनुपम खेर, पृथ्वीराज सुकुमार। नरेटेड बाय डैनी डेंजोंगपा। म्यूजिक बाय पर्सनल, साउंड ट्रैक MM करवानी, मेट ब्रो एंड अनजान, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी। नाउ टॉक अबाउट द सिनेमाटोग्राफी, सुदीप छत्री जी, एडिटिंग बाय सारे श्री नारायण सिंह एंड प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज, क्रोचिंग टाइगर, कैप ऑफ गुड फिल्म, फ्राइडे फिल्म वर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय टी सीरीज एंड वेट हेल साउंड स्टूडियो, नॉर्थ अमेरिका, फॉक्स स्टार स्टूडियो। रिलीजेड डेट 23 January 2015 इन इंडिया। रनिंग टाइम 159 मिनट एंड कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट ऑफ दिस फिल्म 58.97 crore एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 142.99 crore rupees। आई टॉक अबाउट द प्लॉट ऑफ दिस फिल्म। द प्लॉट फॉलोज द लास्ट मिशन ऑफ बेबी, ए टेम्परेरी टास्क फोर्स अहेड बाय फिरोज अली खान, फॉर्मेड इन द रिस्पॉन्स द 2008 मुंबई अटैक। Whose job is to find and eliminate terrorists who are the planning attack in India, who will attempting to rescue the follow India security against the Turkey. Ajay Singh Rajput, Kapoor's trailer, Jamal, Karan Anand, who formerly worked under Ajay and threatened to kill his family unless he gave his the information about to terror attack plan. Ajay is told about a terrorist plot to the cause a bomb blast in Delhi Mail, which he and Jay are able to prevent. In the process, Ajay learns that his was only the first of a series of massive attack that have been planned. Pakistan-based terrorist and mastermind Maulga is causing trouble near the India-Pakistan border. The plans and executes during Operation Special Plan for Bilal Khan. A team of officers led by Ajay is dedicated to the target ask and ASI agent. Passing as a local Muslim leader, Ajay
managed to get information of the local content Javed. After triggering him, they go to Javed's head out, but think to higher than all of the circle members and accept Ajay are cleared in explanation along with the Javed. They are able to retrace a name from Javed's laptop and to collect further information from the terrorist logistics planner. Ajay and Sabana Khan travel to Nepal, pretending to the Atubi husband and wife. They are plan to capture the logistic planner. Wasim Sikh goes early when they find out that Sabha is an undercover officer. Still, Sabha managed to hold Wasim and Ajay arrive to find that Sabana has knocked him unconscious. As per the information given by Wasim, Feroz sends Ajay Jain Shukla to meet their deep pursuit and establish Saudi Alderia, where Bilal is holding meeting to discuss the funding and execution of their plan. The Ajay and Jay break into Bilal's room after the meeting with the help of Shukla and kills Bima. Bilal, as they are about to return, they find that Maulana is also a street chai, knock him out. They decide to bring Maulana back to India under the pretext that he is the relative who needs to the visit India for an urgent life transplant. We manage to get away from the local authorities. Maulana being Swan is the Ashfaq in the uncle with Ashfaq help. Soon the hotel security and discover the corpse. Bilal and police another put the police chief Hanif Muhammad is charged to the investigation. The crime he attempt to track down his murders quickly and defines them as India agents. Then contact ADC to stop the plan. Boarded by Ajay and his team, but when he see newspaper which reveals that Maulana and Bilal were terrorist and had the international bounty and their head, he smiled and led to the plane takeoff. Maulana is finally brought in India. He's kept a secret. After 6 weeks, the international by the Indian Army is singer. He's the jailed. The trial run is the successful and baby is given permanent status. The team celebration is now talk about the cast of this film. Akshay Kumar as Rahul Awasthi, Ajay Singh Rajput, Rafika and Tapsee Pannu as the Sabana Khan. Now we talk about the production and Babies was the producer on the T-Series along with the Crushing Tiger Pride Filmwork and Case of the Good Film. The filming began on 4 September 2014 in Greater Noida, Uttar Pradesh. Same filming was done in the Gautam Buddha University at Meditation Hall, Shanti Sarovar and Library at Greater Noida. The second part was shot in Nepal and the team completed their final and schedule in Abu Dhabi in October. Some parts were also shot in Istanbul. Now I talk about the soundtrack of this film. The song for the film features song composed by M.M. Karwani and Meet Broch Anjan. Lyrics for written by Manoj Munister. The film score and composed by Sanjay Chaudhary. All lyrics are written by Manoj Munister. Now I talk about the release and respects and critical response. Baby was released to positive reviews. Subhash Kacha gave the film 4.5 stars out of 5 and stated Baby is the one halwa roller coaster ride. Miss RTO won risk and Sharita a 20 of the Daily News and analysis gave the movie 4 star. Distribution Akshay Kumar and performance is the movie as is. Best Anuj Kumar is the Hindu and sometimes to bill as the gripping epinichal thriller and issue drama and education. Akshay Kumar as Rahul Awasthi, Ajay Singh Rajput, Rafika and Tapsee Pannu as the Sabana Khan.
नावेटा का भारत प्रोडक्शन बेबीज वाज प्रोड्यूसर ऑन द टी सीरीज अलोंग विद द क्रिशिंग टाइगर प्राइड फिल्म वर्क एंड केस ऑफ द गुड फिल्म द फिल्मिंग बिगन ऑन 4 September 2014 इन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश फिल्मिंग वाज डन इज द गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी एट एमिट्रेशन हॉल शांति सरोवर एंड लाइब्रेरी एट ग्रेटर नोएडा रिलायंस एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स के सहयोग से यह सेट्टी की पुलिस यूनिवर्स की चौथी किस्त है और भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी पुलिस फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में है। अजय देवगन और रणबीर सिंह कैमियो करेंगे। दोस्तों इसमें जो संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और तनिष्क बागची ने और गुरु रंधावा ने। दोस्तों ये रिलीज होगी 25 सितंबर 2020 को भारत में रिलीज होगी और हिंदी भाषा में। चलिए इसकी मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ। दोस्तों डीसीपी वीर सूर्यवंशी के रूप में कुमार के चरित्र के अंत में घोषणा की गई थी कि सिम्बा सूर्यवंशी के एक चरित्र परिचय के रूप में कार्य किया है। कुमार आतंकवाद निरोधी दस्ते के प्रमुख की भूमिका में होंगे। यह फिल्म साजिद फरहाद द्वारा लिखी गई है और लेखकों मानव दास अनुराही और शिवांत तिवारी द्वारा सह पटकथा लिखी गई है। भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की वजह से 25 मार्च को रिलीज हो रही थी पर अब दिवाली 2020 को रिलीज होने वाली है। दोस्तों आइए मैं आपको जो है ये बता देता हूँ कि कौन से एक्टर ने काहे की भूमिका निभाई है। दोस्तों इसमें अक्षय कुमार बने हुए हैं वीर सूर्यवंशी और अदिति के रूप में कैटरीना कैफ जो कि वीर की पत्नी बनी हुई है यानी कि अक्षय कुमार की पत्नी का रोल निभा रही हैं। रणबीर सिंह इसमें संग्राम सिम्बा भाले राव के रूप में है और अजय देवगन इसमें बाजीराव सिंघम के रूप में है। संगम सिंह इसमें राजू के रूप में है और उस्मानी के रूप में इसमें गुलशन ग्रोवर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभिमन्यु सिंह सिकंदर खेर भी इसमें हैं और नीना गुप्ता इसमें वीर की माँ यानी अक्षय कुमार की माँ के रूप में हैं और अमित कुमार मंडल इसमें कांस्टेबल अमित का रोल निभा रहे हैं। तो चलिए इसके निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों 5 मार्च 2019 जिस दिन फिल्म के दो पोस्टर आउट हुए अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने घोषणा की उन्होंने ईद उल फितर के त्यौहार के साथ 22 मई 2020 को फिल्म को रिलीज करने की योजना बनाई थी। बाद में 12 जून 2019 को यह घोषणा की गई कि फिल्म रिलीज की तारीख 27 मार्च 2020 तक बढ़ा दी जाएगी लेकिन अब यह मूवी रिलीज होगी 25 सितंबर 2020 को। चलिए संगीत के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों फिल्म का संगीत तनिष्क बागची लिजो चार्ज टीचे चेतन जे एम एट द्वारा दिया गया है जिसके गीतकार रश्मि बिराग सब्बीर अहमद और तनिष्क बागची हैं। फिल्म मोहरा के गीत टिप टिप बरसा पानी को इस फिल्म के लिए पुनर्निर्मित किया गया है। रोहित शेट्टी ने फिल्म सिंघम और सिम्बा के द्वारा दो बैक टू बैक सुपर हिट फिल्में दी हैं। इन दोनों फिल्मों में पुलिस ऑफिसर की भूमिका में अजय देवगन और रणबीर सिंह ने खूब वाहवाही लूटी है। अब इस फिल्म के तीसरे भाग में अक्षय कुमार की एंट्री हुई है। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। इस साल 2020 की सबसे बहुपरिचित फिल्मों में शुमार किया जा चुका है। सिनेब्रिटीज की लेटेस्ट रिपोर्ट में फिल्म के टाइटल से जुड़ी दिलचस्प कहानी को बयां किया गया है। इस फिल्म के टाइटल को सूर्यवंशी के मेकर्स ने विजय गलानी से हासिल किया था। विजय की इस फिल्म में सलमान खान ने काम किया था। पहले विजय इस फिल्म के टाइटल को देने में हिचकिचा रहे थे लेकिन बोनी कपूर से बात होने के बाद उन्होंने इस राइट्स को रोहित शेट्टी को दे दिया। हालांकि टाइटल हासिल करने के बाद इस शीर्षक में बदलाव भी किए गए। यही कारण है कि इस शीर्षक के इंग्लिश की स्पेलिंग में यू की जगह डबल ओ को दो बार लगाया गया है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग शुरू हो गई थी। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ फिल्म ईद 2020 को पर्दे पर रिलीज होने वाले थे। खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही पहले पता चल गया कि फिल्म की कहानी सामने आ गई। सूर्यवंशी में अक्षय कुमार ATCS ऑफिसर की सूर्यवंशी के किरदार में नजर आएंगे जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। खास बात यह है कि सूर्यवंशी 19 के समय की कहानी होगी जब देश में CCTV नहीं हुआ करते थे और ना ही सोशल मीडिया का रूप था। ऐसे वक्त में के रूप में रोहित शेट्टी ने इस बार कहानी में बुना है। ये पूरी फिल्म की कहानी सूर्यवंशी का सफर पर आधारित रहेगी। इसके सुकल में भी इसी कहानी को आगे बताया
जा सकता है। इसमें दिखाया जाएगा कि बिना मॉडर्न तकनीक के उस वक्त पुलिस ऑफिसर किस तरह से वर्क करते थे। इस फिल्म के साथ रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार पहली बार साथ जुड़े हैं। इस फिल्म को साउथ रीमेक बताया जा रहा है। यह तमिल फिल्म डार तिरान अलीग्रम उर्दू का रीमेक वर्जन है, लेकिन रोहित शेट्टी ने इससे साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि एक ओरिजिनल फिल्म है, यह किसी भी फिल्म का रीमेक नहीं है। पहली बार साथ सूर्यवंशी के साथ अक्षय कुमार पहली बार रोहित शेट्टी के साथ काम करने वाले हैं। कैट और अक्षय की सुपरहिट जोड़ी भी फैंस को एक बार फिर से दीवाना करने वाली है। अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी की रिलीज डेट एक बार फिर